हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य रिवॉल्यूशन। दिस इज मयूरी कश्यप। और जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारा क्रैश कोर्स का सीरीज चल रहा है, तो आज क्रैश कोर्स का दूसरा दिन है, जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट किया था और ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को एक दिन में खत्म किया था। उसी तरह आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का दूसरा चैप्टर, विच इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, और जैसा कि आपको पता है बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं अपने टीम के बारे में बता दूं। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन टीम है ये, हमारे आयन रिवॉल्यूशन की टीम है, जिसमें बच्चों सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ाई हो रहा है, सारे सब्जेक्ट इन द सेंस जेई और नीट का प्रिपरेशन होता है, जिसमें शुभम सर आने वाले कुछ समय में आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, कुछ दिनों में ये भी हमारे साथ ऐड हो जाएंगे। राज गौतम सर ये आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, विष्णु श्रीमल सर ये आपको मैथ्स ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, रजीश चौधरी सर ये आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मयूरी कश्यप मैम आपको बायोलॉजी पढ़ा रही है। तो बच्चों हमारा बहुत सारा बैचेस चल रहा है, क्लास 11th का बैच चल रहा है। क्लास 11th का बैच का टाइमिंग इवनिंग में 6 बजे होता है, आपको अच्छे से पता है। टीटीएस में बायोलॉजी का होता है क्लास, एंड बाकी अदर डेज में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होता है। तो ये तो आपको पता ही है क्लास का शेड्यूल, बहुत सारे बच्चे क्लास करते भी हैं। और अभी हमने क्रैश कोर्स प्लान करा हुआ है, तो बच्चों नीट एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी आपका पूरा हम कवर करा दे, जितना भी हो पाएगा। ठीक है बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो आज हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं और इसको क्लियर कर देती हूँ, क्यों ना इसे हम थोड़ा डार्क मोड में पढ़ ले, है ना। डार्क मोड में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा, है देखो क्लियर क्लियर दिख रहा है ना बच्चों, डायग्राम्स भी अच्छे अच्छे दिखेंगे, पढ़ने में भी मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, कल हम लोगों ने क्या किया था, कल हम लोगों ने पढ़ा था, एक मिनट, यस सो हाँ, कलर भी हम लोगों ने चूज कर लिया, थोड़ा सा मोटा भी लिखूंगी, या फाइन। देखो ध्यान से सुनो बच्चे लोग, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये आपका सेकेंड चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। सबसे पहले तो एक चीज बता दूं, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, डाइजेशन। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डाइजेशन। तो डाइजेशन से क्या हुआ था, डाइजेशन प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि आपने जो फूड लिया है किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड लिया है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को कन्वर्ट किया जाता है सिंपल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को कन्वर्ट किया जाता है बच्चों किसमें, सिंपल फॉर्म में, है ना। और सिंपल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया जाता है, सिंपल फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होते हैं, सेल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट इसलिए किया जाता है ताकि इससे जो भी एनर्जी, इससे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कैसे मिलेगा, ब्रीदिंग प्रोसेस से मिलेगा, यानी ब्रीदिंग प्रोसेस से जो आप ऑक्सीजन लेते हो वो ऑक्सीजन इस सिंपल फॉर्म ऑफ फूड पे एक्ट करता है, इसको तोड़ता है और इससे ऑक्सीजन रिलीज होता है। सो बच्चों हमें यही डिटेल में पढ़ना है कि क्या कैसे इस सिंपल फॉर्म ऑफ फूड से एनर्जी रिलीज होता है, यानी बेसिकली ब्रीदिंग क्या है और किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज हमारे बॉडी में होता है। सो बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहां पे क्लियर क्लियर देख रहे हैं, एज यू हैव रीड अर्लियर, पहले भी आपने पढ़ा है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन विच मीन्स O2 की बात कर रहे हैं, तो O2 इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज तो करते ही ना, विदाउट ऑक्सीजन क्या हम सर्वाइव कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव, तो रीजन यही है बच्चों कि बिना ऑक्सीजन के ना तो एनर्जी रिलीज होगा, और एनर्जी रिलीज नहीं होगा तो आप कोई भी काम को कर सकते हो, बिना एनर्जी के नहीं कर सकते हो, तो एनर्जी रिलीज के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है ही। सो बेसिकली पहले भी हम पढ़ते आ रहे कि ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू क्या, टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, जैसे कि ग्लूकोज। बच्चों याद होगा आपको, जल्दी से सारे लोग चैट बॉक्स में आंसर दो कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट जो है ये कैसा फॉर्म था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। डाइजेशन प्रोसेस से हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है मोनोसैकेराइड, एंड दैट इज ग्लूकोज, है कि नहीं। तो ये सिंपल फॉर्म ऑफ फूड है। तो अब यहां पे अगर आप देखो तो जो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन इनडायरेक्टली ब्रेक कर रहा है न्यूट्रिएंट को,
किसको? ग्लूकोज को, जो कि सिंपल फॉर्म ऑफ फूड है, जो कि डाइजेशन प्रोसेस से कन्वर्ट हुआ है। समझ में आ रहा है ना बात बच्चों? इसीलिए एनसीईआरटी का सीक्वेंस ऐसा दिया है, पहले डाइजेशन, देन फिर क्या होगा, जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो उसे एनर्जी मिलेगा, फिर हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करेंगे, है कि नहीं? सो नाउ एंड टू डिराइव एनर्जी, अब ऑब्वियसली बात है क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन हो रहा है न्यूट्रिएंट का, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरह से हो सकता है। तो ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का, उससे क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। नाउ बच्चों अनदर पॉइंट, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो हमने ऑक्सीजन की बात करी, अब होता क्या है, मैं एक थोड़ा सा रफली बता रही हूँ बच्चों। फूड मान लेते हैं ग्लूकोज, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज दिया गया है, तो C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज, है ना? मैंने क्या बोला, इस ग्लूकोज पे कौन एक्ट करता है, ऑक्सीजन। अब आगे हम पढ़ेंगे, ये जो ग्लूकोज है इस पे ऑक्सीजन जो ब्रीदिंग प्रोसेस से हम ले रहे हैं इसको ब्रेक डाउन करता है और इससे क्या निकलता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। किस फॉर्म में निकलेगा बच्चों, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ ATP, ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है ना? नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला ये है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है ब्रेकडाउन से, है ना, ऑक्सीडेशन से, फूड सिंपल फॉर्म ऑफ फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे लगातार कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रहा है ना, अगर हमारे बॉडी में, ठीक है, इस एनर्जी का यूज तो आप करोगे अलग अलग काम को करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप दौड़ रहे हो, सोचो दौड़ते टाइम में क्यों आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्यों आप फास्ट ब्रीदिंग करते हो, क्योंकि उस टाइम आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा फूड ब्रेकडाउन होगा, ज्यादा फूड का ब्रेकडाउन के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए और ज्यादा ऑक्सीजन के लिए आपको फास्ट ब्रीदिंग करना ही होगा। सो स्टूडेंट इसी वजह से आप फास्ट ब्रीदिंग करते हो जब भी आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो नाउ CO2 की बात करें स्टूडेंट, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी लगातार फॉर्म हो रहा है, तो अब सोचो अगर हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ता जाएगा तो हमारा बॉडी टॉक्सिक हो जाएगा, टॉक्सिसिटी बढ़ते जाएगा, तो उसका रिमूवल भी टाइम टू टाइम जरूरी है। तो यही तो है चैप्टर का मतलब, एक्सचेंज ऑफ क्या, गैसेस, समझ में आई बात, है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सिंपल टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। सो ब्रीदिंग से आपने ऑक्सीजन लिया और फिर वही CO2 बना, तो आप उसको बाहर रिमूव कर रहे हो, ठीक है ना? तो यही जो प्रोसेस है यही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि कैसे होता है ना बच्चों। सो कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे थे, विच इज क्या, हार्मफुल, आपको अच्छे से पता है बहुत ज्यादा हार्मफुल अगर इसका ज्यादा कंसेंट्रेशन हुआ तो, इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब बच्चों हमने लिविंग वर्ल्ड में, मैंने पढ़ाया है बच्चों, मेरा लिविंग वर्ल्ड का वीडियोस भी अपलोड है, मैंने कैटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में बताया था। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था कि कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्शन यानी तोड़ना, है ना, डिस्ट्रक्शन। कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, तोड़ना। सो बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, टूट रहा है, तब तो ये मिल रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे सिंपली लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव, ये जो कैटाबॉलिक रिएक्शन देख रहे हो आप, इस रिएक्शन में क्या होता है, रिलीज होता है। सो इट इज देयर फॉर एविडेंट क्या, कि दैट O2 हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल, ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली क्या, सेल्स को मिलते रहना चाहिए, एंड CO2 क्या होगा, प्रोड्यूस्ड बाय द सेल हैव टू बी रिलीज्ड आउट। CO2 जो कि सेल खुद प्रोड्यूस कर रहा है जब वो ऑक्सीजन का यूज करता है, तो उसका रिमूवल भी लगातार क्या है बच्चों, जरूरी है, ठीक है। सो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2, ये जो प्रोसेस है O2 के एक्सचेंज का फ्रॉम द एटमोस्फियर विथ किससे, CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग, सिंपल शॉर्ट बोलेंगे, O2 को अंदर लेना और CO2 को बाहर भेजना, यही तो क्या कहलाता है, यही तो कहलाता है बच्चों ब्रीदिंग। समझ में आई बात, वॉट इज ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेलेशन, यानी सेल्स को ऑक्सीजन देना और सेल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है उसको बॉडी से बाहर फेंकना, दैट इज ब्रीदिंग, ठीक है ना।
कॉमनली नोन एज रिस्पिरेशन, और बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, ब्रीदिंग और सेल्यूलर रिस्पिरेशन में कंफ्यूज होते हैं। बोलते हैं कि रिस्पिरेशन का मतलब ब्रीदिंग है, नहीं बच्चों, रिस्पिरेशन का मतलब होता है जो सेल के इनसाइड ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है ना ग्लूकोज का, सिंपल फॉर्म ऑफ फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, और उस ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, दैट प्रोसेस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग एक पार्ट है रिस्पिरेशन का, एक प्रोसेस है रिस्पिरेशन का, सेलुलर रिस्पिरेशन का। क्लियर? क्योंकि ब्रीदिंग नहीं होगा तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या रिस्पिरेशन होगा, ब्रेकडाउन होगा फूड का? नहीं हो सकता है। ठीक है, Now, so place your hand on your chest. आप अपने चेस्ट पे क्या रखिए, हैंड रखिए, यू कैन फील द चेस्ट, आप फील करेंगे जब आप ब्रीद करेंगे तो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इस तरह का ऑब्वियस बात है, ठीक है ना, मूवमेंट होता है। सो यू नो दैट इट इज ड्यू टू, ये क्यों होता है, ड्यू टू ब्रीदिंग। ये किसके कारण होता है बच्चों, ये वन एंड ओनली, ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो वो ऑक्सीजन लेने और CO2 छोड़ने यानी ब्रीदिंग प्रोसेस के कारण होता है। नाउ हाउ डू वी ब्रीद, अब हम ये ब्रीदिंग करते कैसे हैं, हमें ये समझना है। सो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जैसे हमने देखा था डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को ब्रेक करने के लिए, ब्रेक करके सिंपल फॉर्म ऑफ फूड में कन्वर्ट करने के लिए स्पेशल सिस्टम्स थे, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स आ रहे थे, हमने सबके बारे में डिटेल में पढ़ा था। उसी तरह ब्रीदिंग यानी ये प्रोसेस करने के लिए, यानी ग्लूकोज का और ब्रेक डाउन करने के लिए ये, या जो ब्रीदिंग प्रोसेस कर रहे हैं हम, वो कैसे कर रहे हैं, इन सारे प्रोसेस के लिए हमारे अंदर भी एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिनमें आपको बड़े सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिलेंगे, जिनके बारे में एक एक करके हम समझेंगे कि कहां क्या कौन सा प्रोसेस होता है। नाउ बच्चों, ठीक है, सो एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ दिस चैप्टर। किस तरह से मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का, ये सारा कुछ डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके रख देते हैं, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, ज्वाइन कर लेना, जो भी मैंने लिखा है ना वो आपको वहां पे मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, यहां तक तो पढ़ लिया ना, हाँ अब आ जाते हैं बच्चों रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं, यस। सो बच्चों ध्यान से देखिए, नाउ हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। दिस इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिनसे मिल करके क्या बना है बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है, जिससे मिल करके क्या बना है बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है, और इसी सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं, ब्रीद करते हैं ऑक्सीजन, मतलब इसी के लिए कैटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं, जो ग्लूकोज हम लेते हैं उसका यूज कर पाते हैं, जो फूड हम लेते हैं उसका यूज कर पाते हैं, एनर्जी करते हैं ना। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, मतलब अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, वो अलग अलग होता है। पूछो क्यों, ये तो आप भी बता सकते हो ना, चैट बॉक्स में आंसर दो ना लाइको। ठीक है, चलो देखो मैं बताती हूं, होता क्या है स्टूडेंट्स कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अब कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है तो कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, कुछ ऑर्गेनिज्म में आपको टिश्यूज मिल रहा है तो कुछ ऑर्गेनिज्म में आपको क्या मिल रहे हैं, ऑर्गन्स मिल रहे हैं बट ऑर्गन सिस्टम नहीं है। तो हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो उस पर डिपेंड करता है कि उसका कैसा फंक्शन होगा, मतलब मैकेनिज्म होगा ब्रीदिंग का। तो आ जाइए यहाँ पे, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम मोस्टली ह्यूमंस की बात करेंगे, बट कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या सिस्टम्स हैं उनके बारे में हम बात जरूर करेंगे, क्योंकि नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, क्यों, तो ये तो समझ में आ गया ना, क्योंकि सबका ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है। Now, depending mainly on their, ये depend करता है organization के साथ साथ, बच्चों ये भी point highlight कर लेंगे हम लोग, इसके साथ ये depend करता है कि अब हर तरह के organism अलग अलग है। एर्की बैक्टीरिया की बात करें, हार्श हैबिटेट में रहता है कि नहीं, एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर रहता है, बट क्या हम रहते हैं, नहीं, हम अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर यू बैक्टीरिया ही नहीं सर्वाइव कर पाएगा, है कि नहीं। सो दीज ऑल आर दी स्मॉल स्मॉल चीजें हैं जिनके कारण अलग अलग मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का। तो हैबिटेट कैसा है, एंड जैसा कि मैंने बताया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी में सेल है तो किसी में ऑर्गन है तो किसी में, जैसे प्लांट में ही बात करें, क्या प्लांट में ऑर्गन सिस्टम है, नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है उसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग होगा।
हमारे में है तो हमारा मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। सो लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें स्पॉन्जेस, अगर हम बात करें सिलिंड्रेट्स, है ना, अगर हम बात करें फ्लैट वॉर्म्स, तो एक्सचेंज ओ टू विथ सीओ टू बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सर्फेस। मतलब हम यहीं पे पॉइंट करके लिखते चलेंगे, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, अगर हम बात करें बच्चों यहां पे हम लिखते चलेंगे लोअर इनवर्टिब्रेट, शॉर्ट में लिख रहे हैं लोअर इनवर्टिब्रेट जो है ये कैसे ब्रीदिंग करता है, तो बाय बॉडी सर्फेस, नॉर्मल बॉडी सर्फेस से, और नॉर्मल बॉडी सर्फेस से भी कैसे, तो सिंपली लिखेंगे यहां ब्रैकेट में बच्चों बाय डिफ्यूजन, कैसे करता है बाय डिफ्यूजन। तो ये नंबर वन पॉइंट तो हम लोगों ने लिख लिया। इसके बाद अनदर आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे लोग, यहां ध्यान दीजिएगा, मतलब सिंपल डिफ्यूजन से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन नॉर्मल बॉडी सरफेस से क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का लोअर इनवर्टिब्रेट्स में ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। अर्थवर्म की बात करें, ठीक है, अर्थवर्म की बात करें तो यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल, वो अपना मॉइस्ट क्यूटिकल यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अनदर हम लिखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए अर्थवर्म कैसे करता है, अर्थवर्म रिस्पिरेशन कैसे करता है, तो सिंपली बच्चों लोग यहाँ पे लिखेंगे अर्थवर्म कैसे रिस्पिरेशन करता है, बाय मॉइस्ट क्यूटिकल, बाय मॉइस्ट क्यूटिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे करता है, बाय मॉइस्ट क्यूटिकल। फिर आ जाते हैं अनदर, नेक्स्ट बात करें तो ये अर्थवर्म का तो हमने देख लिया मॉइस्ट क्यूटिकल से, इंसेक्ट्स कैसे करता है, तो इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब, इंसेक्ट्स के पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रैकियल ट्यूब्स। बच्चों ये मैं इसलिए लिखा रही हूं क्योंकि नीट में आया था सारा, एक कॉलम वन था कॉलम टू था, जिसमें ऑर्गेनिज्म के नाम दिए थे और उनके रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स दिए थे, मैच करना था। सोचो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पायर करते हैं, एटलीस्ट ऑर्गन तो पता ही होना चाहिए। सो इंसेक्ट्स, अनदर वन इज इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की बात करें तो याद रखिएगा इंसेक्ट्स में क्या होता है, ट्यूब्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रैकियल ट्यूब्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू ये क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू ये क्या करते हैं, रिस्पायर्स करते हैं, ठीक है ना बच्चों। नाउ आफ्टर दैट ट्रांसपोर्ट एटमोस्फेरिक एयर विद इन दी बॉडी, मतलब इंसेक्ट इसके थ्रू ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू क्या करा रहे हैं, एटमोस्फेरिक एयर को बॉडी के इनसाइड ले रहे हैं। नाउ स्पेशल वैस्क्यूलराइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड गिल्स, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक ऑर्थ्रोपॉड्स, जितने भी ऑर्थ्रोपॉड्स है ज्यादातर ऑर्थ्रोपॉड्स ये क्या यूज करते हैं, गिल्स यूज करते हैं फॉर रिस्पिरेशन। तो हम यहाँ पे एक और पॉइंट लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे हम लिख देंगे अगर हम ऑर्थ्रोपॉड्स की बात करें, ऑर्थ्रोपॉड्स की बात करें तो ये कैसे रिस्पायर करते हैं, अगेन बच्चों तो ये कैसे रिस्पायर करते हैं, तो इनमें क्या होता है ज्यादातर गिल्स होते हैं, सिंपल है ना। सो कॉल्ड गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक ऑर्थ्रोपॉड्स एंड बच्चों मोलस्का, तो यहाँ पे ऑर्थ्रोपॉड्स के साथ साथ हम लोग मोलस्का भी ऐड कर देते हैं, सम मोलस्का नॉट ऑल, सम मोलस्का, इनमें क्या होता है बच्चों गिल्स होता है। फिर आ जाते हैं वेयर एज वैस्क्यूलराइज्ड बैक कॉल्ड लंग्स आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म, मतलब जो भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है ज्यादातर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म लंग्स का यूज करते हैं फॉर रिस्पिरेशन। सो लंग्स आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ये कैसे करते हैं, तो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स बाय लंग्स, सिंपल, ठीक है, क्लियर बच्चों। नाउ नेक्स्ट आ जाता है अमोंग वर्टिब्रेट्स, ये हम लोग जितना भी बात कर रहे थे यहां से लेकर के ये सारे की बात कर रहे थे, ठीक है ना, तो ज्यादातर हम किसकी बात कर रहे थे, इनवर्टिब्रेट्स। अब आ जाते हैं बच्चे लोग वर्टिब्रेट्स, अमोंग वर्टिब्रेट्स अगर देखा जाए तो फिशेस, फिशेस के पास आपको अच्छे से पता है क्या होता है, गिल्स होता है, क्योंकि गिल्स एक्वाटिक ऑर्थ्रोपॉड्स मतलब वैसे जो पानी में रहते हैं, है ना, वैसे ऑर्गेनिज्म में मेनली क्या होता है, गिल्स के थ्रू रिस्पिरेशन होता है, तो फिशेस हो गए यूज क्या, गिल्स। वेयर एज रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स ये कैसे रिस्पायर करते हैं, रिस्पायर थ्रू लंग्स, रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल कैसे रिस्पायर करते हैं, लंग्स के थ्रू। और एम्फीबियंस की बात करें जैसे कि फ्रॉग, ठीक है, कैन रिस्पायर थ्रू क्या, मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन से भी रिस्पायर कर सकता है, और
मैमल्स हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी। और मैमल्स की बात करें तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारे अंदर एक प्रॉपर वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारे नाम आपको जरूर मेंशन होने चाहिए, साथ साथ में आप जरूर लिखेंगे। फिशेस कैसे रिस्पायर करते हैं तो ये भी हम यहीं पर लिखते चलेंगे, गिल्स के थ्रू, है ना। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल में लंग होता है, ठीक है, लंग्स होता है। तो ये सारे पॉइंट्स को हम कवर करते हुए चलेंगे, ये याद रहना चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना स्टूडेंट्स, कि जब भी क्वेश्चन आता है तो कॉलम में इस तरह के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कॉलम वन कॉलम टू मैच करने के लिए दे देते हैं, ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए। ना नेक्स्ट बात करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ना इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए स्टूडेंट्स। अब जैसा कि मैंने बोला कि हमारे बॉडी में एक प्रॉपर क्या होता है, सिस्टम होता है, एंड दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम पहले बात करते हैं हाफ पार्ट के बारे में, देन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? सो वी हैव, अगर हम बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। सो वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। हमारे पास क्या है, जैसे हम अगर बाहर की तरफ देखें तो ये आपके पास क्या है, ये एक नॉस्ट्रल और ये दूसरा नॉस्ट्रल। तो पेयर ऑफ क्या है, नॉस्ट्रल्स है, एक्सटर्नल बाहर की तरफ, तो एक तो ये हो गया। ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, यानी जो हमारा अपर लिप्स है ठीक इसके ऊपर प्रेजेंट है, क्लियर। इसके बाद इट लेड्स टू नेजल चैम्बर। अगर हम बात करें इट लेड्स टू नेजल चैम्बर, फिर ये नॉस्ट्रिल जो है आगे चल के चैम्बर फॉर्म करता है कि नहीं, नेजल चैम्बर, एक चैम्बर, दिस चैम्बर और दिस चैम्बर एंड दिस चैम्बर। तो एक तो सबसे पहला पार्ट जो बाहर की तरफ है, दैट इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। देन आफ्टर कौन सा पार्ट आ जाता है बच्चों, नेजल चैम्बर। देन आफ्टर कौन सा पार्ट आ जाता है, नेजल चैम्बर, ठीक। थ्रू द नेजल पैसेज, जिसके थ्रू, जिस पैसेज के थ्रू एयर क्या करता है, पास करता है। द नेजल चैम्बर ओपन इनटू कौन सा, मैंने बताया था बच्चों फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है, कल भी मैंने बताया था, कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का, तो वैसा फेरिंग्स पार्ट जो एयर को कैरी कर रहा है, दैट इज नेजो फेरिंग्स। तो नेजल चैम्बर नेजल पास पैसेज के थ्रू होता हुआ किसमें ओपन होता है, नेजो फेरिंग्स में। देन तो एक पार्ट तो यहां हमने देख लिया, दूसरा नेजल चैम्बर जो नेजल पैसेज के थ्रू किसमें खुल रहा है, नेजो फेरिंग्स में खुल रहा है, ठीक। नाउ विच इज द पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, एक्चुअली में ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का नहीं बोल सकते, बेसिकली ये कौन से पार्ट का, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आ जाता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हम इसको पढ़ते हैं, है ना। नाउ द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, कल ही मैंने बताया था फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, एक तरफ से फूड लेके आ रहा है और एक तरफ से क्या लेके आ रहा है, एयर लेके आ रहा है, और फूड को फूड पाइप में और विंड को विंड पाइप में क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है ईसोफेगस और ट्रेकिया में। नाउ और इस बीच में आपको पता होगा एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस को कवर कर देता है जब फूड आता है, तो है कि नहीं, कल ही पढ़ा था हमने। सो विच इज अ पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, जो कि कॉमन पैसेज है किसका, फूड और एयर का। नाउ आफ्टर दैट नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स की बात करें स्टूडेंट, तो ओपन थ्रू ग्लॉटिस। नेजोफेरिंग्स किसके थ्रू खुलता है, ग्लॉटिस, ग्लॉटिस ट्रैकिया जो विंड पाइप है ना उसके, उसका कवरिंग बेसिकली बोल रहे हैं। सो अनदर स्ट्रक्चर जो आ गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ऑर्गन, दैट इज ग्लॉटिस ऑफ द लेरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। किसमें खुल जाएगा, ट्रैकिया में, यानी विंड पाइप में। तो ये आ गया लेरिंग्स क्या है, तो इसे बोला जाता है बच्चों वॉइस बॉक्स, यहीं पर लिख देंगे हम लोग। लेरिंग्स क्या है, तो दिस इज वॉइस बॉक्स। लेरिंग्स क्या है, तो वॉइस बॉक्स। सो लेरिंग्स इज द कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन क्या, साउंड प्रोडक्शन। पहले मैंने बताया ये क्या है, वॉइस बॉक्स है, क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये किसका प्रोडक्शन करता है बच्चों, साउंड का प्रोडक्शन करता है। नाउ हेंस कॉल्ड साउंड बॉक्स। देखो मैंने वहां पे लिखा ना, वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स, कुछ भी बोली, साउंड आवाज आ रहा है, वॉइस भी तो आवाज ही है ना। नाउ ड्यूरिंग स्वॉलोइंग, मतलब जब आप निगलते हो, क्या निगलते हो, पानी, पानी को निगलते हो क्या, नहीं, एयर को निगलते हो क्या, नहीं, क्या निगलते हो, फूड को निगलते हो, है ना। देखो मैं पानी पी रही हूं, निकला क्या, नहीं निकला। देखो हम फूड को खाते हैं ना, तो उस दौरान क्या होता है, ग्लॉटिस, पहले ही मैंने बताया ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप एंड दैट फ्लैप इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस, ठीक है। और ऐसा क्यों बच्चों, तो ऐसा इसीलिए ताकि प्रिवेंट हो क्या, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, यानी फूड के एंट्री को लैरिंग्स में जाने से रोकने के लिए जो एपिग्लॉटिस होता है वो क्या कर देता है, कवर कर देता है, ठीक है, समझ गया बच्चे लोग। नाउ
नेक्स्ट आ जाते हैं आगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि दो ट्रैकिया है, ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया के बारे में एक चीज बता दूं, ट्रैकिया इस तरह का सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। आगे हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे। ये क्या होता है, पूरी तरह से नहीं होता, अगर पूरी तरह से ये ढका हुआ होगा ना तो ये कोलैप्स कर जाएगा। सो इस वजह से ये क्या होता है कि अब एयर लगातार आ रहे हैं, है कि नहीं। सो एयर लगातार आ रहे हैं तो इसको स्पेस भी तो चाहिए, ऑफ कोर्स, है ना। सो बेसिकली ये सी शेप का इसलिए होता है ताकि कोलैप्स ना हो। तो ट्रैकिया जो है इट इज अ स्ट्रेट ट्यूब, एक स्ट्रेट ट्यूब है इस तरह का, ठीक है। स्ट्रेट क्या है, ट्यूब है, एक्सटेंडिंग अप, कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है, तो मिड थोरैसिस कैविटी, कहां तक, मिड थोरैसिस कैविटी विच डिवाइड्स, तो कहां पे डिवाइड करेगा, ये इस तरह से डिवाइड कर जाएगा, ये लेफ्ट और राइट लंग्स में। हम लोग पढ़ेंगे किसमें डिवाइड कर देगा बच्चों, लेफ्ट और राइट लंग में। सो तो विच डिवाइड्स एट दी, और ये पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है कहां पे, कौन से लेवल पे डिवाइड करता है। सो फिफ्थ थोरैसिस वर्टिब्रा इनटू द राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी, मतलब राइट और लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकाई में कब डिवाइड करेगा, एट द फिफ्थ थोरैसिस वर्टिब्रा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिफ्थ थोरैसिस वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंका, यानी आगे एक स्ट्रक्चर और आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, दैट इज ब्रोंकाई, ठीक है। और इस तरह से ये इसका ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर ब्रोंकाई के ब्रोंकियोल्स, बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, एंड फिर एल्वियोलाई। सो ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन। अब मैंने क्या बताया, ये जो ब्रोंकाई है ये भी ब्रोंकाई फिर फर्दर क्या करेगा, और सारे ब्रांचेस में डिवाइड करेगा। सो ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म क्या, सेकेंडरी, एंड फिर सेकेंडरी से भी ब्रांचेस निकलेगा तो टर्शियरी ब्रोंकाई, एंड फाइनली क्या हो जाएगा, ब्रोंकियोल एंडिंग अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। नाउ द ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई, ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकियोल्स आर सपोर्टेड बाय, इन्हें जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है बच्चों, यहां पे याद रखना, कहां पे मैं लिख दूं, आर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है, बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ये जो रिंग होते हैं ये क्या करते हैं, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसको, स्टार्ट कहां से हो रहा है, ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। सो ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल फिर क्या होगा, मैंने आपको बताया था जो ब्रोंकियोल्स होते हैं ये क्या करते हैं, गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन, बहुत ही पतले इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्क्यूलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह का बैग लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एल्वियोलाई, ठीक है। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। बच्चों यहां पे इस पॉइंट को हम जरूर लिख लेंगे, कहां लिख दू, एक मिनट बच्चों, इसको इरेज कर देते हैं, देखो ये तो हाथ से भी इरेज हो जा रहा है, वाह सही है, मैंने तो बस ऐसे ही ट्राई कर लिया था बच्चों। चलो देखो यहां पे इस पॉइंट को मैं येलो से लिख देती हूँ, ठीक है, येलो से ही सही रहेगा। यहां पे लिखेंगे क्या, ट्रैकिया देन आफ्टर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या, ब्रोंकाई एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ये जो होगा आर सपोर्टेड बाय किससे सपोर्ट होगा, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। सो यहां पे हम लिख देंगे इस पॉइंट को इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। बच्चों दिख रहा है ना सबको, क्लियर, एक बार मैं चेक कर लूं, हाँ दिख रहा है सबको, ठीक है। सो समझ में आ गया। उसके बाद मैंने क्या बोला, ये जो ब्रोंकाई है वो एंड होगा थिन मस्कुलर वेस्क्यूलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से लास्ट में चल के इस तरह से फॉर्म होगा, ठीक है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स वही बात यहाँ पे भी लिखा गया है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है, देन ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स, क्या बनाते हैं, यही बनाते हैं लंग्स, जो कि हम आगे फिगर में देखने वाले हैं। अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट बच्चों में शेयर कर दूंगी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो यही बात करना था हमें,
फिगर 17.1। बच्चों आई होप आपको फिगर क्लियर क्लियर दिख रहा होगा। यस, चलो गुड। ध्यान से देखिए इस फिगर को, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, ठीक है। देखिए क्या है, वी हैव टू लंग्स। हमारे पास कितने लंग्स है? दो लंग है। एक लंग यहां दिख रहा है, दूसरा लंग यहां पे दिख रहा है। क्लियर क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है ना। विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर, जो कि कवर कैसे है, डबल लेयर से। अगर आप देखो तो यहां पे, अगर आप देखो तो ये आपका एक लंग और ये आपका दूसरा लंग, एक कवरिंग बाहर की तरफ, एक इधर की तरफ। एंड यही चीज यहाँ पे बोला गया, विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड आउटर एंड इनर लेयर, दैट इज प्लूरा, डबल लेयर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। अगर आप यहां देखो तो इस तरह से ये एक लेयर और ये दूसरा लेयर, मतलब आउटर और इनर लेयर, ठीक है, विथ प्लूरल फ्लूड बिटवीन देम। और इनके बीच में क्या भरा होगा बच्चों, यहां मेंशन है, नहीं मेंशन है? इनके बीच में भरा होगा, यहां पे मैं लिख दे रही हूं, है तो मेंशन है ना। यस, यहां पे देखो, यहां पे है मेंशन प्लूरल फ्लूड। मेरे को दिख नहीं रहा है क्योंकि लाइट थोड़ा ज्यादा आ गया है तो दिख नहीं रहा था, ठीक है ना। तो यहां पे मैं वही लिख रही थी, दैट इज प्लूरल फ्लूड इन मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट रहेगा, जो कि शॉक से बचाता है, ठीक है, मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करता है। सो बिटवीन देम, क्लियर, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन दी लंग्स। मतलब ऑब्वियस ही बात है, आप लगातार क्या कर रहे हो, सांस ब्रीदिंग कर रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, CO2 छोड़ो, लगातार आपका ये फंक्शन कर रहा है कि नहीं? तो ये आपस में इनका फ्रिक्शन ना हो जाए, घर्षण ना हो जाए। फ्रिक्शन का हिंदी घर्षण ही होता है, आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, है ना बच्चों? सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाता है, उनके बीच फ्रिक्शन ना हो जाए। इस फ्रिक्शन से कौन बचाता है, ये फ्लूड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। सो फ्रिक्शन ऑन दी लंग सर्फेस से प्रिवेंट कर रहा है। आउटर, जो बाहर का प्लूरल मेम्ब्रेन है, दिस वन, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज आउटर, बाहर का आउटर प्लूरा, सिंपल लिख रही हूँ, आउटर प्लूरा। तो ये जो बाहर का प्लूरा आप देख रहे हो, इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद दी थोरैसिस। अगर आप देखो तो बाहर का जो प्लूरा है वो किसके कॉन्टेक्ट में होगा, क्लोज कॉन्टेक्ट थोरैसिस, क्योंकि बाहर ही सर्फेस पे हो और ये थोरैसिस कैविटी में ही प्रेजेंट है, मिड थोरैसिस कैविटी। अब आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये तो हमने देख लिया। नाउ ये डायग्राम में पूरा पहले मैं समझा दूं बच्चों, डायग्राम एक बार क्लियर क्लियर देख देते हैं। ये आपका दिख रहा है, दिस इज लंग, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लंग्स बोल रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हो सी शेप्ड रिंग, दैट इज बेसिकली ट्रैकिया। ये क्या है, ट्रैकिया, जिसके बारे में हमने बात करा, स्ट्रेट होता है और कैसा होता है, सी शेप्ड होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस लिंग रिंग के द्वारा सपोर्टेड होता है। और ये जैसे ही फिफ्थ थोरैसिस कैविटी में आता है, ये क्या हो जाता है, राइट और लेफ्ट लंग, राइट और लेफ्ट लंग में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। और फिर फर्दर एक ब्रांच प्राइमरी, प्राइमरी का फिर क्या होगा, सेकेंडरी, और सेकेंडरी से अगर आप देखो तो एक और निकल रहा है, टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है। एंड देन फिर ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था ना लास्ट में, इस तरह से पाउच बैग लाइक स्ट्रक्चर में आता है, दैट इज क्या बच्चों, दैट इज एल्वियोलाई, ठीक है। ये देखो दिस इज ब्रोंकियोल्स, मतलब जो बेसिकली एंड में क्या होता है, एंड में जब पहुंचते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो टर्शियरी के बाद क्या हो जाएगा, जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड ब्रोंकियोल्स, ठीक है। एंड ब्रोंकियोल्स आगे चल के क्या बना देता है, एल्वियोलाई। सो ये वाला स्ट्रक्चर, प्लूरल मेम्ब्रेन हमने देख ही लिया, प्लूरल फ्लूड हमने देख ही लिया, दो मेम्ब्रेन होते हैं, एंड डायफ्राम, दिस इज डायफ्राम। सो डायफ्राम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे ब्रीदिंग में, है कि नहीं। और ये अगर आप देखो तो कट एंड ऑफ रिब्स, ये तो रिब्स का क्या है, कट एंड है, एंड दिस इज ब्रोंकस। सो बेसिकली दिस इज डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्लियर आपको दिख रहा होगा, है ना। नाउ इसके बाद इसको अब यहां से रिमूव करते हैं, आगे बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग, ये बायोलॉजी का NCERT आज हम पढ़ रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, देख रहे हो ना बच्चों, एकदम क्लियर क्लियर दिखे, इसलिए मैंने ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया है। हालांकि NCERT का तो व्हाइट बैकग्राउंड होता है, बट कोई बात नहीं, ओके। चलिए ध्यान से देखिए, नेक्स्ट देखिएगा, लाइनिंग वेयर द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, जो हमने अंदर आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में हमने बात कर लिया, थोरैसिस कैविटी से क्या रहता है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है। जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, इज इन कॉन्टेक्ट विद दी क्या, लंग सर्फेस, है ना। इनर वाला अगर देखो तो बाहर वाला तो इस तरह से, और इनर वाला किससे कांटेक्ट में रहेगा, ऑब्वियस ही बात है, लंग सरफेस के क्या रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा। सो द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, मतलब जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है हमारा, दिस वन, यहां से जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे बच्चों एक पॉइंट, कैसे रेज करूं उसको, हाँ यहां पे एक पॉइंट समझाना जरूरी है, क्या यहां पे लिख देते हैं कि
जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, है ना, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के अप टू कहां तक, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, वहां तक का जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कैसा पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट। उसका काम एक्सचेंज करना नहीं होता है O2 CO2 का, उसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन कराना, ऑक्सीजन को लेना, CO2 को बाहर भेजना, मतलब बस कंडक्शन करा रहा है, एक्सचेंज नहीं करा रहा। तो इसे हम बोलते हैं अप टू क्या, टर्मिनल, अप टू क्या बोलते हैं बच्चे लोग, अप टू हम बोल रहे हैं टर्मिनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ये क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ है, अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। तो इसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, याद रखिएगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ये कैसा पार्ट कहलाता है, बस कंडक्शन करा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, दैट इज कॉल्ड बच्चों लोग कंडक्टिंग, क्या बोलते हैं इसे हम, कंडक्टिंग पार्ट। आफ्टर दैट एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कंडक्टिंग पार्ट कहला रहा है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बच्चे लोग इसको हाईलाइट करके लिखेंगे कि एल्वियोलाई जो होता है, बेसिकली एल्वियोलाई मतलब बाहर टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद जो भी पोर्शन आएगा, ये जो होता है मेनली क्या होता है, एक्सचेंज पार्ट बोला जाता है, साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, एक्सचेंज पार्ट, या आप इसको बोल सकते हैं साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, क्योंकि मेन जो गैसेस एक्सचेंज है वो यही होता है, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, है ना, समझ रहे हो ना बच्चे लोग। तो यहां पे अब हम यहां आ जाते हैं, द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट हो रहा है अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियल्स, ये कैसा पार्ट है, कंडक्टिंग पार्ट है, ये वाला पार्ट है, यानी कंडक्शन करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा बेसिकली। वेयर एज द एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट, और एल्वियोलाई और उनसे जुड़े हुए जो भी क्या है बच्चे लोग, डक्ट्स है, ठीक है, उनसे जुड़े हुए क्या है बच्चे लोग, डक्ट्स है, वो डक्ट क्या कहलाता है बच्चे लोग, रिस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट कहलाता है, रिस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं एल्वियोलाई और उनके जो जो डक्ट्स होंगे वो सबके सब किस में आ जाएंगे, एक्सचेंज पार्ट, मैंने बताया ये क्या है, साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं कंडक्टिंग पार्ट, ट्रांसपोर्ट, मैंने क्या बताया कंडक्टिंग पार्ट का काम ही होगा ट्रांसपोर्ट कराना, तो कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमोस्फेरिक एयर टू दी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई तक एटमोस्फेयर से एयर लेके पहुंचाएगा, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, और जब भी एयर आ रहा होगा तो एयर के साथ अगर कुछ बैक्टीरिया वायरस कुछ हार्मफुल चीजें आ रहे हैं तो उनको क्या करता है, किल करने का काम करता है इन जनरल, ह्यूमिडिफाइज और उसकी ह्यूमिडिटी, एयर के ह्यूमिडिटी को, क्योंकि हमारा हमारे बॉडी टेम्परेचर के से मेंटेन कराना होगा ना, तो उसको ह्यूमिडिफाइज भी कर रहा है, एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, जैसा कि मैंने बताया कूल डाउन करता है बेसिकली। सो एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, ये तो कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन हो गया, क्या क्या फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करा रहा है एल्वियोलाई तक गैसेस को पहुंचाने का और एल्वियोलाई से लेने का, तो क्या क्या कर रहा है इस दौरान, इस दौरान सबसे पहले तो फॉरेन पार्टिकल अगर आ रहे हैं एयर के साथ तो उसको किल करता है, नंबर टू क्या करता है, ह्यूमिडिफाइज कर रहा है, और नंबर थ्री टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिस चैम्बर, लंग्स कहाँ सिचुएटेड है बच्चे लोग, पहले ही बताया है थोरैसिस चैम्बर में, विच इज एनाटॉमिकली स्ट्रक्चरली बात करें तो एक एयर टाइट चैम्बर है, मतलब हवा से भरा हुआ चैम्बर है। नाउ द थोरैसिस चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, डॉर्सली वो कैसे बना हुआ है, बाय डॉर्सल सर्फेस, वेंट्रल सर्फेस आपको पता होगा बच्चों, एंड वेंट्रली बाय द स्टर्नम, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्टर्नम आ जाता है एंड पोर्शन, ठीक है ना, सो बेसिकली मतलब एंड पोर्शन आपके पूरे के पूरे इस चैम्बर का, थोरैसिस चैम्बर का, तो थोरैसिस चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाय दी क्या, डॉर्सली किससे बना हुआ है, वर्टिब्रल कॉलम से बना हुआ है, एंड वेंट्रली बाय दी स्टर्नम। लैटरली अगर लैटरली देखे, लैटरल मतलब ये दिस पोर्शन है ना, लैटरली अगर देखा जाए बच्चे लोग तो ये किसका बना है, बाय दी रिब्स, एंड ऑन दी लोअर साइड और लोअर साइड में देखें तो बाय दी डोम शेप्ड डायफ्राम, कैसे बना बच्चों, डोम शेप्ड डायफ्राम, डायफ्राम का स्ट्रक्चर देखा था ना, ऐसे ही था ना, इसी तरह से था ना, दिस इज डायफ्राम, तो ये कैसा है डोम शेप्ड, अच्छा आपको दिख ही नहीं रहा है, चलो यहां पे देखो इस तरह से डोम शेप्ड क्या बना है बच्चों, डायफ्राम। नाउ द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स, जो एनाटॉमिकल सेटअप है लंग्स का इन थोरक्स इज सच दैट द एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिस कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द
लंग्स, अगर मतलब इस तरह से हमारे थोरेसिस कैविटी में लंग्स प्रेजेंट है कि अगर कोई भी चेंज आता है थोरेसिस कैविटी में तो वो लंग्स को भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। इसी वजह से इसे बोला जाता है पल्मोनरी कैविटी, यानी पल्मोनरी रिस्पिरेशन। हमारे बॉडी में हम कैसा रिस्पिरेशन करते हैं, पल्मोनरी रिस्पिरेशन। पल्मोनरी कैविटी, सच एन अरेंजमेंट इज असेंशियल। इस तरह का अरेंजमेंट बहुत 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 ही असेंशियल है, जरूरी है ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, सो एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर दी पल्मोनरी वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह का अरेंजमेंट नहीं होगा तो हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते, और वॉल्यूम प्रेशर इनमें डिफरेंस आएगा तभी आप ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर सकते हो। तो यहां तक क्लियर है पॉइंट बच्चों? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, और जितना ज्यादा हो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट रिस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। रिस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स आ जाते हैं? नाउ इसको पहले रिमूव कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग। रिस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, पहले हम इसको ही देखते हैं रिस्पिरेशन, ठीक है ना। रिस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, दिख रहा है ना बच्चों? क्लियर बता दो, मैं इधर आ जाती हूँ तब आई थिंक क्लियर दिखेगा। हाँ ठीक है, चलिए आप ध्यान दीजिए। रिस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, क्या क्या स्टेप्स रिस्पिरेशन में होता है? सबसे पहला नंबर वन, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंट। पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? जिसे होता है ना, बोला जाता है कि यार वो वेंटिलेटर पे, वेंटिलेटर मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कराया जा रहा है ना, उसको ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है। तो यही जो एयर का सप्लाई है दैट इज वेंटिलेशन, क्लियर। सो ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन क्यों बोल रहे? क्योंकि हमारा जो थोरेसिस कैविटी है उसमें जो भी मूवमेंट होगा उसी की वजह से लंग्स में क्या होता है, जो भी ब्रीदिंग है हम कर पाते हैं, है कि नहीं। पल्मोनरी हमारा जो बेसिकली रिस्पिरेशन है वो कैसा है? पल्मोनरी रिस्पिरेशन है, पल्मोनरी वेंटिलेशन है। बाय विच, जिस प्रोसेस से, यानी ब्रीदिंग या बोलिए पल्मोनरी वेंटिलेशन, बाय विच एटमोस्फेरिक एयर, जिस प्रोसेस से हम एटमोस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उसे क्या करते हैं, इज ड्रॉन इन, अंदर ले रहे हैं। एंड CO2 रिच एल्वियोलाई में CO2 भरे जा रहा है तो उसको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, पहला प्रोसेस ये होगा रेस्पिरेशन का। दूसरा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन का मतलब हम समझते हैं हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, तो दैट इज डिफ्यूजन। अब लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन सब्सटेंस का मूवमेंट कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा है, आपको अच्छे से पता है कि नहीं, इन कंपैरिजन टू हमारे बॉडी में। हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे तो वहां पे भी देखेंगे बाहर का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, अंदर का कम होता है, एल्वियोलाई का कम होता है एट बाहर के पार्शियल प्रेशर से। तो क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आता है, दैट इज डिफ्यूजन, है ना, जिसमें एनर्जी भी नहीं लग रहा है, सिंपली आ जा रहा है। फिर बाहर एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन तो कम है ना बच्चों, और हमारे बॉडी में ज्यादा, क्योंकि लगातार हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो हम तो लगातार CO2 प्रोड्यूस करें, तो हमारे बॉडी में ज्यादा कंसंट्रेशन एल्वियोलाई में ज्यादा है, तो ज्यादा है तो यहाँ एल्वियोलाई से बाहर क्या हो जाता है, रिमूव आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो दूसरा प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, क्लियर। O2 एंड CO2 का कहां, अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, क्योंकि एक्सचेंज पार्ट तो यही है ना बच्चों, इसीलिए बार बार टर्म यूज कर रहे हैं, एल्वियोलाई में भर रहा है ना, एल्वियोलाई में पहुंचाया जा रहा है, क्लियर। तो दैट इज मेनली एक्सचेंज पार्ट। नाउ तीसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। अब एल्वियोलाई किसको देता है, एल्वियोलाई ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ब्लड को क्या सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। सो बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, देन आफ्टर डिफ्यूजन ऑफ। अब ब्लड को देगा तो ब्लड का काम क्या है, सेल्स तक पहुंचाना ना, टिश्यूज तक पहुंचाना ना, तब तो सेल में जो सिंपल फॉर्म ऑफ फूड है जो कि एब्जॉर्ब हुआ था, कल हमने पढ़ा था डाइजेशन में, अब उसका क्या होगा, अब उसका ऑक्सीडेशन होगा, है कि नहीं बच्चों? सो बेसिकली डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड और टिश्यू के बीच, क्योंकि ब्लड लेके आ रहा है ऑक्सीजन, टिश्यूज में कम है तो जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ ट्रांसफर होगा। टिश्यू में लगातार क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से कहां चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, यस और नो, है ना। सो डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन क्या, ब्लड एंड
टिश्यूज। आफ्टर दैट नेक्स्ट बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब क्या होगा, टिश्यूज को मिल गया है, सेल्स को मिल गया है ऑक्सीजन, तो कैटाबॉलिक ऑब्वियस बात है ऑक्सीजन का यूज होगा, किस में, कैटाबॉलिक रिएक्शन में, ब्रेकडाउन में। सो यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर क्या, कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, जिसके कारण क्या होता है, हम लोगों को पता है ना बच्चों क्या होता है, यही तो होता है C6H12O6 प्लस O2, ये ऑक्सीजन गया एक्ट किया और इसको तोड़ करके क्या दिया, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। देखो बच्चों मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, सिंपली समझाने के लिए लिख रही हूँ, बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिख रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो गया आप टिश्यूज में, इसीलिए तो CO2 ज्यादा हो रहा है बार बार। सो रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 यानी सेलुलर रिस्पिरेशन एज अ डील्ड इन दिस चैप्टर 14 रिस्पिरेशन, ठीक है। सो बेसिकली यही आपका प्रोसेस हो रहा है, क्या क्या हुआ, ब्रीदिंग, पहले तो आप ऑक्सीजन लोगे, CO2 को छोड़ोगे, यानी ये कैसे होता है, डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कहाँ, एल्वियोलर मेम्ब्रेन में, देन आफ्टर गैसेस ऑक्सीजन ब्लड में ये ट्रांसपोर्ट कर दिया, ब्लड पहुंचाएगा किसको, टिश्यूज को, ये भी अगेन बाय डिफ्यूजन, अब वहां पे क्या होगा, इसका यूज होगा। तो यही मैकेनिज्म है, यही रिस्पिरेशन है, रिस्पिरेशन में ये सारे स्टेप्स हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, सबसे पहले बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो इसको रिमूव कर देते हैं ना, आ जाइए नेक्स्ट बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, लेट्स बिगिन। सो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस, ब्रीदिंग में दो स्टेजेस आते हैं, ठीक है, कौन कौन सा स्टेजेस, थोड़ा सा इसको इधर कर दे, वेट अ मिनट, हाँ अब ठीक है, अब बीचों बीच है ना, क्योंकि मैं तो इधर ही खड़ी हो जा रही हूं तो आपको दिख नहीं रहा होगा, अब ठीक है, चलिए इधर ही आ जाते हैं। ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू स्टेजेस, ब्रीदिंग में क्या है, दो स्टेजेस आ रहा है, कौन कौन सा, सबसे पहले इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन कहने का मतलब जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो, इन, इन का मतलब क्या होता है, अंदर लेना, है ना, रिस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, इंस्पिरेशन यानी आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन को इनसाइड ले रहे हो, ठीक है, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान क्या होगा, एटमोस्फेरिक एयर, जो एटमोस्फेयर का से एयर है यानी ऑक्सीजन है वो क्या होगा, इज ड्रॉन इन, अंदर लिया जाएगा, एंड एक्सपायरेशन, एक्स, एक्स मतलब निकालो, हटाओ, एक्स का मतलब समझ रहे हो ना, एक्सपायरेशन, सो एक्सपायर हो चुका है, अब इसको हटा दो, निकाल दो, सो एक्सपायरेशन बाय विच जो एल्वियोलर एयर है उसको बाहर निकाला जाएगा, इज रिलीज्ड आउट, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग, नॉर्मल है ना। सो द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग, मतलब जो एयर का मूवमेंट अंदर हो रहा है फिर अंदर से बाहर भी तो हो रहा है, सो इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरीड आउट बाय, कैसे होता है, बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडिएंट, जैसे कि मैंने बताया अगर डिफ्यूजन होना है तो डिफ्यूजन होने के लिए प्रेशर ग्रेडियंट भी तो क्रिएट होना चाहिए ना बच्चों, प्रेशर डिफरेंस होगा तभी क्या होगा, एक्सचेंज होगा बेसिकली स्टूडेंट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ क्या, प्रेशर ग्रेडियंट, और बिटवीन क्या, लंग्स एंड एटमोस्फेयर, अब लंग्स में हम ले रहे हैं और लंग्स से हम बाहर भेज रहे हैं, तो एटमोस्फेयर और लंग्स के बीच ही तो डिफरेंस होगा ना, तभी तो डिफ्यूजन होगा बच्चों, यस और नो, है कि नहीं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो लंग्स है ठीक है और एटमोस्फेयर है, इनके बीच प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा, कैसे होगा, लेट्स सी, देखते हैं, बिटवीन दी लंग्स एंड एटमोस्फेयर, ठीक है, इंस्पायरेशन कैन ऑकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग, इंस्पायरेशन कब होगा, ऑब्वियस ही बात है डिफ्यूजन हो रहा है तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर मूवमेंट होगा, तो इंस्पायरेशन उसी केस में होगा जब इनसाइड का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कम होगा, ठीक है, और एक्सपायरेशन उसी केस में होगा जब बाहर का प्रेशर ज्यादा कम होगा इन कंपैरिजन टू लंग्स के प्रेशर के, तभी एक्सपायरेशन होगा। तो ये सारे पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इंस्पायरेशन ऑकर इफ प्रेशर विद इन द लंग्स, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है, लंग्स के अंदर का प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, है ना, इंट्रापल्मोनरी, क्योंकि पल्मोनरी वेंटिलेशन है, सो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज क्या, लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये बात मैंने बोला ना,
कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कम होगा, तब तो बाहर से अंदर आएगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आएगा, है ना। दैट इज देयर इज निगेटिव प्रेशर, इसका मतलब क्या है, बाहर के कंपैरिजन में अंदर क्या है, निगेटिव प्रेशर है, तभी तो पॉजिटिव से निगेटिव प्रेशर के टुवर्ड मूवमेंट होगा। सो इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली उसी तरह एक्सपायरेशन कब होगा, जब अंदर का प्रेशर लंग्स का यानी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर से, देन क्या होगा, यहां बाहर यानी CO2 को रिमूव किया जाएगा। सो सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर। समझ गए। नाउ द डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल। डायफ्राम और मसल्स की बात करें, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सस ग्रेडिएंट। तो पूछोगे मैम आपने बता तो दिया इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर की, ये इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा, इस केस में ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कैसे होता है, तो बच्चों इनमें कौन हेल्प करता है, तो सिमिलरली कौन हेल्प करता है, डायफ्राम और स्पेशल सेट्स ऑफ मसल्स जो कि एक्सटर्नल एंड कौन से इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अभी हम इमेज में देखेंगे ये इंटरकोस्टल मसल्स क्या है, रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है, बिटवीन दी रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सस्टेनर, रिब्स को ऊपर की तरफ खींचेगा, डायफ्राम भी खींचेगा, है ना। अलग अलग तरह की चीजें देखते हैं, बताती हूँ मैं इसको, समझाती हूँ अच्छे से। सो हेल्प इन जनरेशन ऑफ सस्टेनर, तो यही मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो डिफरेंस है ये कौन क्रिएट कर रहा है, तो ये जो डिफरेंस है ये क्रिएट कर रहे हैं डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स जो कि रिब्स के बीच में प्रेजेंट है, इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रहा है। नाउ इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड, कैसे होता है, तो इंस्पायरेशन स्टार्ट होता है जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायफ्राम क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप सोचो क्या हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिस चैम्बर, थोरैसिस चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ गया तो बच्चों एक चीज बताओ, एक क्लासरूम है जिसका, जरा इसको ऐसे समझते हैं, यहां पे कहां पे बताओ, यहीं पे बताती हूँ, देखो ध्यान से दिख रहा है ना, हाँ ये एक क्लासरूम है, ये क्लासरूम का गेट है, दिख रहा है सबको, एक ओके ठीक है डन, ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम का गेट है, ठीक है, और एक क्लासरूम ये भी है, ये क्लासरूम का गेट यहाँ पे, ठीक। इस क्लासरूम में भी आपको 100 बच्चे बैठाने हैं और इस क्लासरूम में भी आपको 100 बच्चे बैठाने हैं। इस क्लासरूम का वॉल्यूम ज्यादा है, इस क्लासरूम का वॉल्यूम क्या है, कम है, है ना। इस क्लासरूम का वॉल्यूम ज्यादा है, इस क्लासरूम का वॉल्यूम कम है, किस केस में प्रेशर ज्यादा होगा, ऑफकोर्स इस जिसमें वॉल्यूम कम है उसमें प्रेशर ज्यादा होगा ना, 100 बच्चे को बैठाने से थोड़ा मुश्किल है, यहाँ से बच्चे लगातार एंट्री ले रहे, समझ में आ रहा है, 100 बच्चे को किसी तरह यहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है तो प्रेशर थोड़ा कम होगा, बट यहाँ तो ऑलरेडी छोटा सा वॉल्यूम है, अब इसमें आप डाले जा रहे बच्चों को, भरे जा रहे 100 बच्चे ही चाहिए, डेटा उतना ही है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा हो, समझ रहे हो ना। बस वही चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या हुआ, डायफ्राम हुआ कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जो वॉल्यूम है थोरैसिस चैम्बर का वो बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिस चैम्बर इंक्रीजेस इन दी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस एंड दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करते, कॉन्ट्रैक्ट करते तो ये रिब्स को ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो वॉल्यूम, और देखो आप इनहेल करो, ये वॉल्यूम ऊपर की तरफ खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है तो वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना थोड़ा से चैम्बर का, वॉल्यूम बढ़ेगा तो लिफ्ट अप द रिब्स एंड फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, एंड देखो ध्यान से यही चीज हमें समझना है, एंड ध्यान से देखिए, स्टर्नम कॉजिंग एंड इंक्रीज इन दी, स्टर्नम क्या कॉज कर रहा है, स्टर्नम कॉजिंग एंड इंक्रीज इन दी वॉल्यूम ऑफ थोरैसिस चैम्बर, और स्टर्नम क्या करता है, थोरैसिस चैम्बर के वॉल्यूम को क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है इन दी डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, तो ओवरऑल इंक्रीज, तो हर तरफ से
एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस से या आगे की तरफ से अगर बात करें तो हर तरफ से क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ओवरऑल इंक्रीज इन दी थोरेसिस वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन दी पल्मोनरी वॉल्यूम। तो जैसा कि मैंने बताया लंग्स अटैच्ड है थोरेसिस चैम्बर से, थोरेसिस वॉल्यूम बढ़ा पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ा वॉल्यूम ज्यादा होगा प्रेशर हो गया कम, प्रेशर हो गया कम तो क्या होगा सिमिलरली टू लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाता है, सो विच फोर्सेस द एयर, जिसके कारण हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या होता है मूवमेंट होता है, तो विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इन इनटू द लंग्स दैट इज इंस्पायरेशन। ठीक है, यही होता है इंस्पायरेशन जो कि आपको यहाँ पे इस फिगर में दिया गया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स बढ़ गया है ना, ये आपका रिब्स है स्टर्नम है ठीक, और ये रिब केज आप देख रहे हो, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, ये वॉल्यूम क्या हो गया बढ़ गया, इस तरह से वॉल्यूम क्या हो गया बढ़ गया। ठीक है, तो ये वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम, प्रेशर अंदर का कम हो गया, बाहर का ज्यादा हो गया, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या हो रहा है मूवमेंट हो रहा है एयर का। ठीक है, दैट इज इंस्पायरेशन। नाउ इसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं कहां तक, हाँ अब देखिएगा इसके बाद क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, नेक्स्ट पॉइंट यहां समझिएगा, आपको दिख रहा है ना, हाँ रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम क्या हो जाएंगे, अब जब इनहेल हो गया एयर, अब ऑब्वियसली बात है जब हवा भर जाएगा अंदर आ जाएगा, प्रेशर जब सही हो जाएगा इक्वल हो जाएगा तब क्यों जाएगा, तो इक्वल तो हमेशा नहीं होता है ऑब्वियसली बात है, ज्यादा ही होते जाता है, तो ज्यादा जब होगा मतलब अंदर का प्रेशर जब ज्यादा बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा तो रिलैक्स करते हैं डायफ्राम, डायफ्राम क्या करेंगे रिलैक्स करेंगे नॉर्मल सेपियन साइज में जाएंगे, तो वॉल्यूम जो बढ़ा था वो कम हो जाएगा ना बच्चों, सो द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न, अब इंटरकोस्टल मसल्स जो ऊपर की तरफ रिब्स को लिफ्ट कर रहे थे अब वो भी डाउन हो गए, नॉर्मल पोजिशन पे आ गए, सो इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल positions, जिसके कारण क्या हुआ रिड्यूस दी थोरेसिस वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या कर दिया इन्होंने कम कर दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो है कि नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ दी थोरेस डिक्रीज। ठीक, रिब्स एंड स्टर्नम पहले के उसमें देखो ये बढ़ गया था, अब यहाँ पे क्या हो गया कम हो गया है, रिलैक्स नॉर्मल शेप एंड साइज में आ गए, रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशंस, तो इसके कारण क्या हुआ वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, तो प्रेशर बढ़ गया तो अंदर प्रेशर ज्यादा है एटमोस्फेयर से, तो अंदर से बाहर मूव कर जाएगा, सो सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है रिड्यूसेस द थोरेसिस वॉल्यूम एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम, थोरेसिस वॉल्यूम कम हुआ तो पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो गया, इसके कारण दिस लेड टू इंक्रीज इन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ, जिसके कारण एयर जो है फ्रॉम द लंग्स बाहर चला जाता है, दैट इज टर्म्ड एज एक्सपायरेशन, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, नाउ वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप चाहो तो इनहेलेशन के टेंडेंसी को बढ़ा सकते हो, एक्सहेलेशन के टेंडेंसी को बढ़ा सकते हो, ये आपके कंट्रोल में है कि नहीं, सो वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द क्या स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ क्या एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन, कैसे देखो नॉर्मली जब आप ब्रीदिंग करते हो ना तो उस समय आपका एब्डोमेन यूज नहीं होता है, लेकिन आप जब फोर्सफुली इंस्पायर करोगे या एक्सपायर करोगे तो उस टाइम में बच्चों एब्डोमेन यूज होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो एक हेल्दी ह्यूमन जो होता है ये ब्रीद करता है कितने टाइम, 12 से 16 बार पर मिनट, यानी एक हेल्दी इंसान 12 से 16 बार हर मिनट में क्या करेगा, एक मिनट में ब्रीद करेगा ही करेगा। नाउ बच्चों द वॉल्यूम ऑफ एयर, जो वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व है इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर, मतलब इसका यूज करके आप पता कर सकते हो, विच हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ क्या पल्मोनरी फंक्शंस। अब आ जाते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन हमने देख लिया, अब ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग ये जो पॉइंट मैं बताने जा रही हूं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, ये जो है दिस इज रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिससे नीट में बहुत बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम के बारे में, जिसे बोला जाता है टीवी, टीवी इज क्या टाइडल वॉल्यूम, तो समझिएगा वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड,
मतलब जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपने इनहेल किया है और जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपने क्या किया है बच्चों, एक्सहेल किया है। ठीक है, जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपने इनहेल किया और जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपने एक्सहेल किया है। सो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रिस्पिरेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉट फोर्सफुल। फोर्सफुल ब्रीदिंग में तो एब्डोमेन यूज होता है कि नहीं। सो नॉर्मल रिस्पिरेशन के दौरान आपने जितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल किया है और जितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल किया है, इट इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 500 ml। ठीक है, और आपको पता है कि आप 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथ करते हो, इसका मतलब टाइडल वॉल्यूम अगर आपको मिनट में पूछे तो कितना हो जाएगा, 6000 से 8000। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ, हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली कितना, 6000 से 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। ये नॉर्मल ब्रीदिंग, हेल्दी ब्रीदिंग, हेल्दी मैन की बात हो रही है। ठीक है ना। नाउ दूसरा आ जाता है बच्चे लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे हम लिखते हैं शॉर्ट में IRV। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज दिस IRV? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल ब्रीदिंग के अलावा कुछ ऐड किया जा रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर को, मतलब एयर के कुछ वॉल्यूम को जोड़ा जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। सो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, मतलब आपने फोर्सफुली इंस्पायर किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे बोले, देखिए, ठीक है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर आपने इंस्पायर किया है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड IRV, एन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सिंपल, ठीक है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड दिस एवरेज, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है बच्चों 2500 से 30000 ml। 3000 ml। 2500 से कितना हो जाएगा बच्चों, 3000 ml। ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, जैसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वैसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये भी क्या होगा, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन एक्सपायर करता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। सिंपल, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन एक्सपायर करेगा आफ्टर, इसके बाद आप जो एक्सपायर करोगे दैट इज बेसिकली क्या, एक्सपायरेटरी, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप एक्सपायर कर रहे हो आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, तो इसे हम बोलते हैं ERV, और इसका वैल्यू होता है 1000 ml से कितना, 1100 ml। बच्चों डेटा याद रखना बहुत जरूरी है, कभी कभी एग्जाम में दे देगा ऑप्शंस में ये सारे के सारे नाम दे देंगे और बोलेंगे आप अरेंज करिए इनके वॉल्यूम के बेसिस पे, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अभी तक की एक बात करें तो सबसे ज्यादा वैल्यू तो टीवी क्या है, सबसे ज्यादा वैल्यू टीवी का है ना। टीवी के बाद किसका वैल्यू है, टीवी के बाद आ जाता है आपका IRV का वैल्यू 2500 से 3000, एंड देन आता है ERV का वैल्यू, है कि नहीं। सो बेसिकली ये सारे सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। नाउ इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे लोग, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की तो बात कर ली हम लोगों ने, नाउ अब आ जाते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इज बच्चे लोग रेसिड्यूअल वॉल्यूम। रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है, RV। सो वॉल्यूम ऑफ एयर, ध्यान से देखिएगा, रेसिड्यूअल का मतलब क्या होता है, रेसिड्यू मतलब बच गया है, यानी दैट मीन्स रिमेनिंग, दैट मीन्स क्या हो जाएगा बच्चे लोग, रिमेनिंग। सो रेसिड्यूअल वॉल्यूम यानी RV, रिमेनिंग। सो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन दी लंग्स, लंग्स में जो वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाता है इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, तो इस ये कितना वैल्यू है, मतलब जब आप, बच्चों याद रखिएगा, अगर हमारे बेसिकली बोला जा रहा है ना कि हम ब्रीद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जब हम सांस ले रहे हैं तो पूरा पूरा एयर बाहर कर दे रहे हैं या पूरे एयर को अंदर ले ले रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारे सिस्टम में प्रेजेंट रहता ही रहता है, लंग्स में प्रेजेंट रहता ही रहता है। सो वही है रेसिड्यूअल वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग बचा हुआ है इन दी लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। चाहे आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कीजिए तो भी आपके लंग्स में एयर प्रेजेंट रहेगा, रिमेन रहेगा, दैट इज कॉल्ड रेसिड्यूअल वॉल्यूम। सो नेक्स्ट बात करते हैं दिस एवरेज, और इसका वैल्यू कितना है, 1100 से 1200। बच्चों याद रखना ERV से ज्यादा वैल्यू है इसका, है ना। ERV का कितना था, 1000 से 1100 ml था। नाउ बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम,
डिस्क्राइब्ड अबव, जो भी हमने अबव पढ़ा है, वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज विच कैन बी यूज इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको पता है कि इतना वॉल्यूम ऑफ एयर नॉर्मल इंस्पिरेशन में आना चाहिए, फोर्सफुल इंस्पिरेशन में आना चाहिए, तो आप पता कर सकते हो, डायग्नोज कर सकते हो कि नॉर्मल ब्रीदिंग है या नहीं। अभी के टाइम में तो बहुत जरूरी है, चेक करते रहना चाहिए कि बच्चों की नॉर्मल ब्रीदिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि कोविड सिचुएशन है। ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए कोविड में ऑक्सीजन लेवल रहना सही बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी अगर आपको हो रही है, डिफिकल्टी हो रहा है ब्रीदिंग में, विच मीन्स कि सीरियस केस है। सो ऑब्वियस ही बात है, इसमें अपने आपको क्या बोल सकते हो, उसको ये रखना है, क्या बोल सकते हैं, अपने आपको बहुत अच्छे से रखना है, मेंटेन रखना है, मेंटेन इन द सेंस कि ज्यादा काम नहीं करना है, मतलब ऑक्सीजन को बचा के रखना है, नहीं काम तो ऑफकोर्स करना ही है, पढ़ाई तो करना ही है, लेकिन हाँ घर में रह करके, सुरक्षित रह करके, सेफ रह करके काम करना है, ठीक है। चलिए आते हैं ना, नेक्स्ट बात करते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। कभी कभी तुम लोग बोलते हो यार मैम तो कभी कभी भूल ही जाते क्या बोल रहे हैं उनको, है ना, चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी बच्चों। इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज आप लोगों के साथ भी होता होगा, स्लिप ऑफ टंग जिसको बोलते हैं, मतलब बोलना कुछ चाह रहे हैं, बोल कुछ और दे रहे हैं। नाउ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, आ जाते हैं टॉपिक पे, आईसी, ठीक है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक इंसान इंस्पायर कर सकता है, मतलब ये नहीं कि नॉर्मल, जितना ज्यादा आप इनहेल कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। सो दिस इंक्लूड, ऑब्वियसली बात है, टाइडल वॉल्यूम तो आएगा, क्योंकि नॉर्मल इंस्पायरेशन प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जो भी आ जाएगा, सो दैट इज टीवी प्लस आईआरवी। टीवी कितना था बच्चों, टीवी का वैल्यू था आपको हाँ 500, 500 प्लस, मतलब ऑफ कोर्स मैं आपको बता रही हूँ कि टीवी वॉल्यूम 500 ml है ना, पर मिनट की बात करें तो 6000 से 8000 हो जाएगा। और आईआरवी कितना हो जाएगा बच्चे लोग, आईआरवी हमने देखा था 2500 से कितना होता है, 2500 से 3000 कितना होता है, 2500 से 3000, माइनस नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा 3000 से 3500, 3000 से 35, समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर उसी तरह एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेट टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन एक्सपायर कर रहा है आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद आप जितना एक्सपायर कर सकते हो, तो इसमें भी आ जाएगा टीवी प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगेन टीवी कितना, 500 ml प्लस आपका क्या हो जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व कितना होता है, 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100, तो आपका दिस वैल्यू एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1500 से 1500 ml, 1500 लिख रही हूं ना सही, हाँ 1500 से 1600 ml, ठीक 1500 से 1600 ml। नाउ फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी यहां भी रिमेनिंग है, बट वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन कहां, लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन यहाँ पे था इंस्पायरेशन, है ना, इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यहाँ पे नॉट इंस्पायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। और यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, नॉर्मल इंस्पायरेशन रिमेन इन लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड ईआरवी प्लस आरवी। आरवी तो समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि फोर्स्ड क्या है यहाँ पे, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रह जाता है, दैट इज रेसिड्यूअल वॉल्यूम। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो बच जाता है, तो ये दोनों आ जाएंगे ना, एडअप हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ईआरवी प्लस आरवी दोनों हो जाएगा, दैट इज फंक्शनल रेसिड्यूअल वॉल्यूम। ईआरवी क्या था, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन क्या एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ईआरवी का वैल्यू हमने देख ही लिया कितना, 1500 से 1600 ml, और आरवी कितना होता है, 1100 से 1200 ml, ऐड कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे हम लिख ही देते हैं इसको, कितना हो जाएगा ईआरवी का वैल्यू, 1500 से क्या है ये 1600 ml है ना, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका किसका वैल्यू हो जाएगा, 1100 से 1200 ml, है ना, 1100 से
1200 ml, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा फंक्शनल रेसिड्यूअल वैल्यू वॉल्यूम की बात करें तो 1100 से 1500 हो जाएगा, तो 1600 सॉरी 2600 से यहां पे क्या हो जाएगा आपका हो सकता है 2800, है ना, 2600 से 2800 ml, क्लियर। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो, ऐड अप कर देना बच्चे लोग। नाउ इसको इरेज कर दो ताकि क्लियर दिखे, ये आपका सेव हो गया। नाउ आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आप बात करते हैं फंक्शनल रेसिड्यूअल वॉल्यूम के बाद आ जाता है आपका वाइटल कैपेसिटी, क्लियर दिख रहा होगा। हाँ वाइटल कैपेसिटी, देखिए वाइटल कैपेसिटी क्या है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन क्या करते हैं ब्रीद करते हैं इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन, फोर्स एक्सपायरेशन के बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन ब्रीद कर रहे हैं दैट इज वाइटल कैपेसिटी। और इसमें आपके क्या क्या आ जाएंगे, ईआरवी भी आ जाएगा, टीबी भी आ जाएगा, नॉर्मल इंस्पिरेशन तो आएगा ही, और आईआरवी भी आएगा, ठीक है। सो ये तीनों को ऐड कर दो तो आपका आ जाता है वाइटल कैपेसिटी, यानी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, एक फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद मैक्सिमम जितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर सकते हैं दैट इज बेसिकली वाइटल कैपेसिटी, हमारे लंग की कैपेसिटी। अब टोटल लंग कैपेसिटी लास्ट आ जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी, सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन दी लंग्स, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में भरा है एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, दिस इंक्लूड इसमें आ जाता है आरवी ईआरवी टीवी एंड आईआरवी सारे आ जाते हैं, या वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिड्यूअल वॉल्यूम, क्यों, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आ जाता है, ईआरवी है ना, टीवी और आईआरवी प्लस आपका रेसिड्यूअल वॉल्यूम हो गया, तो दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी, पूरे लंग का कैपेसिटी। तो ये सारे डेटाज आपको याद होने चाहिए बच्चों, अच्छे से याद कर लीजिएगा। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, पहले इसको समझ लेते हैं, देन ये पार्शियल प्रेशर वाला कॉलम देखेंगे, यहां तक रहने देते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं, दिख रहा, चलो गुड। अब आ जाते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये तो देख लिए थे ना, यहां रहने देते हैं, देखिएगा बच्चे लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें, गैसेस का एक्सचेंज, सो एल्वियोलाई हमें अच्छे से पता है कि एल्वियोलाई जो है वो क्या है, मेन साइट है एक्सचेंज गैसेस के एक्सचेंज का, तो एल्वियोलाई आर दी प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के एक्सचेंज का प्राइमरी साइट क्या है बच्चों, एल्वियोलाई है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो ऑकर बिटवीन क्या, ब्लड एंड टिश्यू, यानी गैसेस का एक्सचेंज जो होता है ये किसके किसके बीच होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच होता है, एंड O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स, और इन साइट्स पे ब्लड और टिश्यूज के बीच एक्सचेंज क्या होता है बच्चों, O2 एंड CO2 ही ना, टिश्यूज को O2 चाहिए और टिश्यू से CO2 कहां जाता है, ब्लड में जाता है। सो बाय सिंपल डिफ्यूजन, कौन से प्रोसेस से, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से जाता है, मेनली बेस्ड ऑन दी प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। नाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल एज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ऑब्वियस ही बात है अगर मेम्ब्रेन ज्यादा थिक होगा, मोटा मोटा इस तरह से, ये वाला मेम्ब्रेन है देखो, ये थिक मेम्ब्रेन है और ये पतला मेम्ब्रेन है, कहां से एक्सचेंज होना इजी होगा, ऑफ कोर्स यहां से एक्सचेंज होना इजी होगा, अगर पतला मेम्ब्रेन तो आसानी से एक्सचेंज हो जाएगा। और सॉल्युबिलिटी गैसेस किसमें ज्यादा सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी गैसेस की क्या है, अच्छी है खराब है, उस पर भी तो डिपेंड करेगा। सो बेसिकली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, इस पर डिपेंड करेगा डिफ्यूजन किस रेट से होगा, ठीक है। Involved in diffusion are also some important factor that can affect क्या rate of diffusion, कौन कौन से factor पढ़ लिए बच्चे लोग हम लोगों ने, pressure, concentration, gradient, दूसरा solubility of gases and तीसरा thickness of membrane, ये तीनों तो affect करेंगे ही किसको, gases के exchange को, rate of diffusion के। Now प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल, अब देखो आगे वाला जो ये कॉलम आप नीचे देख रहे हो ना, ये है पार्शियल प्रेशर का कॉलम, उससे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर, यही प्रेशर का जो डिफरेंस होता है इसी के कारण क्या होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। सो बच्चों प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस, मतलब एक मिक्सचर ऑफ गैस में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, अलग अलग तरह के गैसेस हैं, ठीक है। सो अलग अलग तरह के गैसेस है, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस में
जो एक इंडिविजुअल, मान लीजिए हमें ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की बात की, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, नॉट पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है उसे हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, यानी प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस। जैसे O2 ने मिक्सचर ऑफ गैसेस में क्या प्रेशर कंट्रीब्यूट किया है, XYZ कुछ भी किया है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड क्या बच्चों, पार्शियल प्रेशर, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसे हम इस तरह से लिखेंगे, PO2 फॉर ऑक्सीजन, एंड अगर कार्बन डाइऑक्साइड का तो PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेज इन द एटमोस्फेयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवेन बिलो, टेबल में दिया है, हम लोग आगे देखते हैं। एंड चलो आ जाते हैं टेबल में, ब्लड और टिश्यू के बीच का भी दिया है, टेबल पे ही आ जाते हैं। अरे यार नीचे दिया है क्या टेबल, नहीं इधर ही दिया दिया तो है, चलो ध्यान से देखो, अब दिखेगा यहाँ पे क्लियर, ठीक है। यहां देखिए बच्चे लोग, यहां हम बात कर रहे थे पार्शियल प्रेशर, यहां हम बात कर रहे थे पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर कहने का मतलब ऑक्सीजन का मिक्सचर ऑफ गैसेस में क्या कंट्रीब्यूशन है प्रेशर में, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कंट्रीब्यूशन है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां अगर आप देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस में ले रहे हैं, MMHg, तो यहां अगर आप देखो, दिख रहा है ना क्लियर, यस चलिए। तो यहां अगर आप देखो तो एटमोस्फेरिक एयर का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 159 MMHg। पार्शियल प्रेशर कितना होता है बच्चों, 159 MMHg, ध्यान से समझिएगा, कितना 159 MMHg। एल्वियोलाइन में 104 MMHg, ऑक्सीजन का ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 MMHg, और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो 95 और टिश्यूज है तो 40। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 एटमोस्फेयर में, एल्वियोलाई में 40, ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है 45, ऑक्सीजनेटेड में 40 एंड टिश्यूज में 45। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ, देन आपको आसानी हो जाएगा आगे का डायग्राम समझना। मैंने बोला था हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूवमेंट होता है, तो एटमोस्फेयर का 159 है कि नहीं, और एल्वियोलाई का क्या है, कम है, तो जो एयर होगा वो ऑक्सीजन रिच एयर कहां से कहां मूव करेगा, पार्शियल प्रेशर एटमोस्फेयर का ज्यादा है ना, डिफ्यूजन हो रहा है तो ज्यादा से कम की तरफ, तो यहां से यहां गया, ठीक है, एल्वियोलाई में। फिर एल्वियोलाई से यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एल्वियोलाई में ज्यादा है तो फिर जाएगा किस में, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में यहाँ पे गया, ठीक है। फिर यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर बात किया जाए क्या है, ज्यादा होता है तो यहाँ इसको देगा ना, ताकि ऑक्सीजन देगा ताकि डीऑक्सीजनेटेड ये ऑक्सीजनेटेड हो, है कि नहीं, तो यहां से यहां होगा, समझ रहे हो ना बच्चों। अब टिश्यूज पे आ जाते हैं, ब्लड में अगर ऑक्सीजन ज्यादा है, जैसे एल्वियोलाइन ने क्या किया, ब्लड में भेजा है ऑक्सीजन, तो ये वो जो ब्लड होता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि एल्वियोलाइन लगातार ऑक्सीजन भेज रहा है ब्लड में, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है टिश्यूज के पास क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन फिर दे देता है टिश्यू को, क्यों, प्रेशर डिफरेंस देख लो, है ना, टिश्यू में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो इसके कारण इसका ऑक्सीजन कम है, पार्शियल प्रेशर कम है ऑक्सीजन का, तो यहां ज्यादा है तो ज्यादा से कम की तरफ गया। उसी तरह CO2 की बात करें, एटमोस्फेयर में देखिए कितना कम है ना, एल्वियोलाई में क्या है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो एल्वियोलाई से यहां जाता है बाहर, तो यही है प्रेशर डिफरेंस के कारण ही क्या होता है, ये सारे मूवमेंट्स होते हैं बच्चों। तो चलो आ जाते हैं दूसरे डायग्राम में देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे ये आपको आई होप दिख जाए, चलो ये मैं बना दूंगी, नहीं दिख ही जाएगा, जाना चाहिए, चलो ध्यान दो, यहां देखिए हो क्या रहा है, क्लियर क्लियर देखिएगा बच्चे लोग, लेट मी चेंज द कलर। हाँ यहां से मान लेते हैं क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है ना, O2 आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पे 159 MMHg है, यहाँ पे 159 MMHg, ठीक है, और यहाँ पे 104 MMHg, तो पार्श ऑक्सीजन अंदर आया इनहेलेशन से, ऑक्सीजन अंदर आया, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का कितना 40 MMHg, इसका कितना 104 MMHg। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है एल्वियोलस से कहाँ गया, यहाँ देखो ब्लड में जा रहा है, एल्वियोला से कहां जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, और ये देखो पल्मोनरी वेन, ये तो आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तो यहां से ब्लड गया, ठीक है,
अब देखो टिश्यूज को ट्रांसफर होना है, ब्लड कैसा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है लंग्स, ये हम लोग देखेंगे हमारे हार्ट के थ्रू, हार्ट लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ये बॉडी बॉडी को भेजा जाता है, ठीक है। तो यहाँ टिश्यू पे देखिए, अब हम आ जाते हैं बॉडी के टिश्यूज पे, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, टिश्यू पे ऑक्सीजन का पार्शल, ये जो ब्लड है ठीक है ना, ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका पार्शियल प्रेशर 95 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 mmHg है। अब यहाँ पे टिश्यूज पे बात करें तो देखिए पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 mmHg है और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg है। 95 से 40 की तरफ आएगा, यानी ऑक्सीजन टिश्यू में जाएगा और CO2 बाहर जाएगा। CO2 बाहर गया तो इसके कारण पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना 45 mmHg है, तो ये अब ऊपर जाएगा अगेन, फिर यहां तक पहुंचेगा और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर 40 है और ये जो ब्लड आ रहा है इसका कितना है 45 है, तो 45 से 40 की तरफ जाएगा ना, हाइयर टू लोअर, तो यहाँ पे भेजा और यहां से फिर CO2 बाहर, क्योंकि बाहर का तो बहुत कम है एटमोस्फेयर का। यही प्रोसेस चलते रहता है, यही हम मैंने पहले भी बताया, ठीक है ना। सो यही चीज है, आपको याद रहना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, देखिएगा ध्यान से बच्चे लोग, अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2, क्या होता है ग्रेडियंट, यानी प्रेशर ग्रेडियंट किसके लिए प्रेजेंट है, CO2 के लिए तो प्रेजेंट है ही, इन द अपोजिट डायरेक्शन, कहां अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड, टिश्यू से ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है कि नहीं, वैसा ग्रेडियंट ही हमने देखा है, एंड ब्लड टू एल्वियोलाई और ब्लड से एल्वियोलाई को, फिर एल्वियोलाई से बाहर, एज दी सोल्यूबिलिटी ऑफ, अब मैंने बोला था रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है सोल्यूबिलिटी पे, ठीक है, करता है ना, सोल्यूबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, तो सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 times हायर देन ऑक्सीजन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऑक्सीजन से 20 to 25 times क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है, तो द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू दी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर देन कंपेयर टू दी O2, तो ऑब्वियसली बात है CO2 का 20-25 गुना ज्यादा है, तो जो ट्रांसफर होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा ना, और जरूरी भी है, नहीं तो हमारा बॉडी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो ये बहुत हार्मफुल भी है। सो द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 major layers, तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, 3 major layer के बने होते हैं, देखिएगा नेमली यहाँ पे अगर आप देखो दिख रहा है क्लियरली, ठीक है ना, मैं इधर थोड़ा सा आ जाती हूँ, आपको इधर दिखेगा, ठीक है, देखिएगा नेमली पहला तो थिन स्क्वामस एपिथीलियम, पतला सा क्या होता है आपका, थिन स्क्वामस एपिथीलियम प्रेजेंट होता है ना बच्चों, इसके बाद थीलियम ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई मेम्ब्रेन जहां पे एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, द इंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, एल्वियोलर कैपिलरी का इंडोथेलियम, एंड तीसरा द बेसमेंट सब्सटेंस जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज बेसमेंट, 3 layer में बना है, ठीक है, दिस इज बेसमेंट क्लियर, ये आपका एक मेम्ब्रेन बाहर, फिर एक और ये सबसे अंदर का, नाउ बच्चों इन बिटवीन देम बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर, और जबकि इनका जो थिकनेस होता है काफी मतलब कम होता है, मिलीमीटर से भी छोटा होता है, सो देयरफॉर ऑल द फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर, सारे के सारे फैक्टर्स जो हमारे बॉडी में है वो फेवरेबल होते हैं O2 के लिए, फ्रॉम एल्वियोलाई टू क्या टिश्यूज, एंड CO2 का कहां टिश्यू से ब्लड, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा बॉडी ऑक्सीजन ले, यानी हमारे एल्वियोलाई से ऑक्सीजन का ट्रांसफर कहां हो, हमारे एल्वियोलाई से ऑक्सीजन का ट्रांसफर कहां कर दिया जाए बच्चों, बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, एल्वियोलाई से ट्रांसफर कर दिया जाए ऑफकोर्स ब्लड टिश्यूज को, एंड टिश्यू से CO2 को ट्रांसफर कर दिया जाए कहां, बाहर एल्वियोलाई के थ्रू, तो ये हमारा फेवरेबल कंडीशन है। नाउ आफ्टर दैट अब आ जाते हैं गैसेस के ट्रांसपोर्ट में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, सो ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपको अच्छे से पता है कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, ब्लड के थ्रू हो रहा है, सो ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2, ठीक है, एंड CO2, O2 एंड CO2 के लिए ब्लड क्या है, मीडियम है ट्रांसपोर्ट का, सो अबाउट 97% कितना, 97% ऑफ क्या, O2, 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC यानी रेड ब्लड सेल, याद रखना RBC यानी रेड ब्लड सेल्स के थ्रू। नाउ
रिमेनिंग ऑफ 3% और जो बचा हुआ 97% तो हो गया आरबीसी के थ्रू, और 3% जो ब्लड होता है, 3% जो ऑक्सीजन होता है इज कैरीड इन अ डिजॉल्व स्टेट। कैसे कैरी होता है बच्चों? डिजॉल्व स्टेट में। एक मिनट वेट करो बच्चों। हाँ यहाँ पे ठीक है। सो यहाँ पे द रिमेनिंग ऑफ 3%, 3% जो बचा हुआ होता है वो कैसे कैरी होता है? इज कैरीड इन अ डिजॉल्व स्टेट, यानी डिजॉल्व स्टेट में ये जाता है। कैसे? थ्रू द प्लाज्मा। तो आपको ये याद रखना है आरबीसी के थ्रू, आरबीसी के थ्रू O2 का ट्रांसपोर्ट होता है कितना? 97%। और प्लाज्मा के थ्रू कितना होता है इन अ डिजॉल्व स्टेट? इन अ डिजॉल्व स्टेट कितना होगा बच्चों? इन अ डिजॉल्व स्टेट 3%। कितना हो जाएगा? 3% हो जाएगा। नाउ अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का, तो नियरली 20-25%, यानी 20-25% जो होगा CO2 का इज ट्रांसपोर्टेड बाय क्या? RBCs, whereas 70% of it is carried as bicarbonate, और 70% इसका कैसे कैरी होगा? As a bicarbonate. तो about 7% of CO2 is carried in a dissolved state through plasma, which means कि 20-25% CO2 कैसे होगा? RBC के थ्रू। यहीं पे लिख दे रहे हैं। CO2 की अगर बात करें तो CO2 का ट्रांसपोर्ट RBC के थ्रू कैसे होगा बच्चे लोग? RBCs के थ्रू कितना होगा? 20-25%। ठीक है, ज्यादा कैसे होगा? ज्यादा होगा किसके थ्रू? एज अ बाई कार्बोनेट। हम लोग पढ़ेंगे बाई कार्बोनेट के फॉर्म में कितना होगा? 70%। और 7% किसके थ्रू होगा? ये भी याद रखना है, प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है, समझ रहे हो? 7% किसके थ्रू होगा बच्चों? प्लाज्मा के थ्रू। नाउ अब आ जाते हैं, ये तो हम लोगों ने देख लिया ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन क्लियर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ग्राफ। चलो ग्राफ दिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रही हूं। चलो बाद में दिखा दूंगी, पहले समझा देती हूँ। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, दिस वन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो हेमोग्लोबिन कैसा है? इज अ रेड कलर। हेमोग्लोबिन तो आपको पता ही है कैसा है, रेड कलर्ड पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है ना। सो रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन दी, कहां प्रेजेंट होता है? आरबीसी में। इसीलिए आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड होता है। अच्छे से आपको क्लियर पता है ना। नाउ O2 can bind with hemoglobin. O2 जो है वो किसके साथ बाइंड करता है? हेमोग्लोबिन के साथ, इन अ रिवर्सिबल मैनर। कैसे बाइंड करता है? रिवर्सिबल मैनर में, मतलब अगर जो हेमोग्लोबिन है वो O2 के साथ बना रहा है HbO2, तो ये जो HbO2 है ये वापस से Hb+O2 में क्या हो सकता है? कन्वर्ट हो सकता है। और आपको एक चीज मैं और बता दूं कि हेमोग्लोबिन में आपको 4 सब यूनिट्स मिलते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा सब यूनिट्स, और एक हेमोग्लोबिन 4 ही ऑक्सीजन को मैक्सिमम कैरी कर सकता है क्योंकि 4 सब यूनिट है। तो ये याद रखना है। टू फॉर्म क्या? ऑक्सी हेमोग्लोबिन, तो ये फॉर्म करते हैं। क्लियर? नाउ ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ क्या? 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। तो इसमें लिख देंगे क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 सब यूनिट। 4 सब यूनिट है इसके कारण, कौन से हैं? तो यहां पे लिख दे रही हूं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट है, ठीक है, इसके कारण। सो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है कि हेमोग्लोबिन बाइंड करेगा या डिसोसिएट करेगा, है ना। ज्यादा अगर ऑक्सीजन है ब्लड में तो क्या होगा? बाइंड करेगा। अगर कम है, CO2 ज्यादा है, तो बाइंड नहीं करेगा। क्योंकि अगर मैं बता दूं आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। सो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर क्या? ऑफ ऑक्सीजन। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाइड्रोजन आयन इज आयन कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर दी अदर फैक्टर जो कि क्या कर रहे हैं, विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग, जो कि इस बाइंडिंग से क्या करते हैं, बेसिकली इंटरफेयर करते हैं। मतलब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना है या नहीं करना है, वो इस पर भी डिपेंड करता है।
ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ साथ में ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन का क्या कंसंट्रेशन है, इस पे भी डिपेंड करेगा कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म होगा या नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके लिए आपको इलेबोरेट क्लास मैंने कराएंगे भी आगे, आप देखना। नाउ अ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेंड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट दी PO2। मतलब इस ग्राफ में हम देखने वाले हैं, इस ग्राफ को आगे हम देखेंगे तो कैसा कर्व आपको मिलता है, सिग्मोइड कर्व। सिग्मोइड कर्व मिलता है व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन किसका, हेमोग्लोबिन का, विद O2 इज प्लॉटेड। मतलब जब हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म करते हैं, तो उसका प्लॉटिंग आपको यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्राफ में। दिस कर्व इज कॉल्ड, इसे बोला जाता है ऑक्सी डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सी डिसोसिएशन कर्व, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक, जैसे कि क्या, लाइक PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H+ कंसेंट्रेशन, H+ का क्या कंसेंट्रेशन है, ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हेमोग्लोबिन। मतलब बेसिकली इस ग्राफ से आपको यही समझ में आएगा, इससे हम पूरा का पूरा इसका मतलब यही है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होता है, बाइंड करता है या नहीं करता है। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का अगर ज्यादा हो गया ऑक्सीजन से, देन उस केस में क्या होगा, H+ का कंसेंट्रेशन ज्यादा है उस केस में क्या होगा, कम है तो क्या होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो ये ग्राफ एक्सप्लेन करता है, यही बात यहाँ पे लिखा गया है। सो इन दी एल्वियोलाई वेयर देयर इज हाई PO2, तो एल्वियोलाई में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, 105 mmHg है ना। नाउ लो PCO2, PCO मतलब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोलाई में कम होता है, 40 mmHg है, लेसर देन H+ कंसेंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर, क्या होता है, द फैक्टर आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन। तो वहां पे फैक्टर्स जो है सारे के सारे फेवरेबल है, तो एल्वियोलाई में क्या बनता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, क्यों, पार्शियल प्रेशर भी ऑक्सीजन का ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, H+ का कंसेंट्रेशन कम है, सो बेसिकली दीज ऑल फैक्टर्स फेवर्स क्या, ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन, तो वहां पे ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। डिसोसिएशन कहां पे होगा, जहां पार्शियल प्रेशर कम है कार्बन ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वहां पे डिसोसिएशन होगा। यही ग्राफ यहां पे बताया गया है। तो आगे बात करते हैं, इसके बाद देखिए बच्चे लोग यहाँ पे इस ग्राफ को अब हम लोग देखते हैं। अगर आप देखो तो ये देखिएगा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, ठीक है, पार्शियल प्रेशर यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन का mmHg में, और यहाँ पे परसेंटेज सैचुरेशन हेमोग्लोबिन का विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जहां डिपेंड करता है कि कहाँ पे कौन सा कंसंट्रेशन है, कहाँ पे क्या होगा। अगर देखा जाए पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर देखा जाए तो कहाँ, 105 के अप्रोक्स होता है एल्वियोलाई में, तो यहाँ पे देखो परसेंटेज सैचुरेशन सबसे ज्यादा है ना, क्लियर। फिर तो इसी को बोला गया सिग्मोइड कर्व दिया है, तो यहां समझिएगा बच्चे लोग कहां पे हम लोग पढ़ रहे थे, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक PCO2 H+ कंसेंट्रेशन एक्सेट्रा ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो वहां पे बाइंड करेगा जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, ठीक है, एल्वियोलाई में ज्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है, तो वहां पे बाइंड करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा, है ना। सो वेयर देयर इज हाई PO2 लो PCO2, लेसर H+ कंसेंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर, द फैक्टर आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्या, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। सो वेयर एज इन द टिश्यू, जहां पे क्या होता है लो PO2 टिश्यूज में कितना होता है, 40 के अप्रोक्स यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो कम होता है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है, H+ का कंसेंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, सो कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन। तो यहाँ पे क्या होगा इस केस में, डिसोसिएट होता है, टूटता है, यानी ऑक्सी हेमोग्लोबिन वापस से क्या बना देगा, Hb+O2। So for oxygen and from the oxyhemoglobin. So this clearly indicate that O2 get bound to क्या, hemoglobin in the lung surface. Lung surface पे bound करेगा and get dissociate tissues पे जाके क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, dissociate हो जाएगा. So each 100 ml of हर every 100 ml of oxygenated blood can deliver around कितना, 5 ml ऑफ O2, 5 ml O2 कहां, टू दी टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। समझ में आई बात, मतलब 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये टिश्यूज को कितना डिलीवर करता है, 5 ml O2 डिलीवर करता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं।
ये ग्राफ हम लोगों ने देख लिया। नाउ इस ग्राफ को और अच्छे से एक्सप्लेन में समझना है तो बच्चों हमारी क्लासेस अटेंड करिए, क्लास 11th का जो हमारा सीरीज चल रहा है ना उसमें। तो इसमें नेक्स्ट अब बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट का। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इस केस में ध्यान से समझिएगा क्या होता है। CO2 इज कैरीड बाय हेमोग्लोबिन। CO2 को कौन कैरी कर रहा है? हेमोग्लोबिन। और ऑफ कोर्स हमने ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में भी देखा कि जो हेमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन का 97% पार्ट आरबीसी कैरी करता है, मतलब आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। बट इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 20-25% ही जो है आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कराता है। सो CO2 इज कैरीड बाय हेमोग्लोबिन। कैसे कैरी करेगा? तो एज अ कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, दैट इज वेरी हार्मफुल। अगर इसका कंसेंट्रेशन आपके बॉडी में ज्यादा हो गया तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। सो अबाउट 20-25% जो होता है ये इसी फॉर्म में होता है। अगर इससे ज्यादा हो गया तो बहुत मुश्किल है। इसी वजह से हमारे बॉडी को मेंटेन करके रखना चाहिए, हमारे ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके रखना चाहिए। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड, और ये बाइंडिंग कैसे रिलेटेड है? अगेन पार्शियल प्रेशर जो हमने पढ़ा है। सो दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। PO2 इज अ मेजर फैक्टर। अब इसके लिए PO2 भी तो मेजर फैक्टर है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होना चाहिए अगर CO2 को बाइंड करना है। तो जिस तरह से पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, तब बाइंड करेगा हेमोग्लोबिन के साथ। उसी तरह यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन का कम होना चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इज अ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट द बाइंडिंग। सो व्हेन PCO2 इज हाई एंड PO2 इज लो इन द टिश्यूज क्या होगा? मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादा बाइंडिंग होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। वेयर एज द PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का लो होगा और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा अल्वियोलाई में, तो वहां पर डिसोसिएशन हो जाता है और वहां पर एसोसिएशन किसका होता है? ऑक्सीजन का और हेमोग्लोबिन का। ठीक है, सो ये थे आपके ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ आगे बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखो इस स्लाइड को। ठीक है, यहां देखो ऑफ CO2 हम बात कर रहे थे, क्या होता है? डिसोसिएशन हो जाता है एल्वियोलर साइड पे CO2 का। फॉर्म क्या फॉर्म करेगा? कार्बामिनो हेमोग्लोबिन टेक प्लेस, दैट इज CO2 विच इज बाउंड टू हेमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर्ड। अब ऑब्वियसली बात है, टूट गया CO2 अलग हो गया तो CO2 डिलीवर हो जाएगा कहां? CO2 कहां डिलीवर हो जाएगा? एल्वियोलाई में, तो एल्वियोलाई से बाहर चला गया है कि नहीं? इज डिलीवर टू दी एल्वियोलाई। सो आरबीसी कंटेन अ वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। आरबीसी में बहुत ज्यादा क्या होता है? एंजाइम का कंसेंट्रेशन होता है। कौन सा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ सेम इज प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा टू, और थोड़ा सा क्वांटिटी प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। सो दिस एंजाइम फैसिलिटेट दी फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। तो ये जो एंजाइम है क्या करता है? रिवर्स रिएक्शन कराने में हेल्प करता है। जैसे कि CO2 plus H2O क्या बनाएगा? H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में, एंड अगेन H2CO3 जो है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में HCO3 माइनस प्लस H प्लस डिसोसिएट हो गया। इसी वजह से तो H प्लस का कंसेंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, बढ़ता है घटता है, ठीक है ना? तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो उसके साथ साथ में H प्लस का भी कंसेंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा ऑफकोर्स। ठीक है, नाउ दिस एंजाइम फैसिलिटेट दी फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है यही ये एंजाइम कराता है। तो एट द टिश्यू साइट, जहां पे क्या है? टिश्यूज है, टिश्यू प्रेजेंट है, टिश्यू साइट पे क्या होता है? पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, ऑक्सीजन का कम है। तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म। किसके कारण? कैटाबॉलिज्म के कारण। कौन सा कैटाबॉलिज्म? फूड का ब्रेकडाउन जो हुआ था। तो CO2 डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, तो CO2 कहां चला जाता है? ब्लड में चला जाता है, आरबीसी एंड प्लाज्मा, एंड फॉर्म ये फॉर्म कर देगा CO3 माइनस आयन, यानी बायकार्बोनेट सॉरी एच प्लस आयन, है ना, एट द एल्वियोलर साइट। लेकिन एल्वियोलर साइट पे क्या होता है? एल्वियोलर साइड पे जैसे ही जाता है वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, ऑक्सीजन का ज्यादा है। तो वेयर PCO2 इज लो, तो द रिएक्शन प्रीसीड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो ये वापस से रिवर्स होने लगता है जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो CO2 क्या हो जाएगा? फिर CO2 बन जाएगा, CO2 एल्वियोलाई को दे दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया फिर वहां से बॉडी से बाहर। ठीक है, सो द रिएक्शन प्रीसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O, दस CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level। Tissue level पे क्या होगा? Tissues पे as a bicarbonate ion के form में बन जाता है and transported to the alveoli, और फिर alveoli को transport कर दिया जाता है। फिर वहां से क्या होता है? ये release हो जाता है as a
CO2, तो सॉरी हाँ CO2 एल्वियोलाई से बाहर हो जाता है। तो अब जैसे कि हमने पढ़ा 100 ml जो है आरबीसी वो क्या करता है टिश्यूज को 5 ml ऑक्सीजन जो है ये क्या करता है ट्रांसफर करता है ना, 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है। वही अगर हम बात करें 100 ml जो है ब्लड ये CO2 कितना भेजता है, तो बच्चों याद रखिएगा 4 ml ऑफ CO2 टू दी एल्वियोलाई को भेजेगा, एल्वियोलाई को। सो ये सारे थे इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे लोग रेगुलेशन ऑफ क्या, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड देन डिसऑर्डर्स पढ़ लेंगे, देन आपका ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। सो सबसे पहले रेगुलेशन की बात करें तो ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट क्या दी रेस्पिरेटरी रिदम टू शूट द डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यू, यानी हमारे बॉडी टिश्यूज के डिमांड को फुलफिल करने के लिए, मतलब हमारे बॉडी के टिश्यूज को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ब्रेक डाउन के लिए लगातार। सो ह्यूमन बींग्स बहुत ही मेंटेन्ड सिस्टमैटिक सिस्टम फॉलो करते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू, मतलब जैसा जो डिमांड होता है उस बेसिस पे हमारा बॉडी फंक्शन करता है। मतलब अगर हमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो ज्यादा मिलता है, कम चाहिए तो कम मिलता है, डिपेंड करता है हमारा बॉडी क्या चाहता है। सो दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम, लेकिन ये कैसे होता है तो न्यूरल सिस्टम के थ्रू समझिएगा। स्पेशलाइज सेंटर, एक स्पेशल तरह का सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला रीजन में, कहाँ, मेडुला रीजन में ब्रेन के, एंड दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। प्राइमरली क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है इस रेगुलेशन के लिए। सो अनदर सेंटर प्रेजेंट इन दी पॉन्स रीजन, एक तो मेडुला रीजन, दूसरा प्रेजेंट होता है पॉन्स रीजन में, पॉन्स वेरुलाई ब्रेन में ही है, जिसे हम बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एक तो हो गया आपको मेडुला रीजन में, मेडुला रीजन में कौन सा हो गया बच्चों, मेडुला रीजन में कौन सा हो गया, लिखेंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और पॉन्स रीजन में कौन सा हो गया बच्चों, पॉन्स रीजन में हो गया न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये दोनों कंट्रोल कर रहा है। कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये इसके फंक्शन को मॉडरेट करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को मॉडरेट करता है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, मतलब न्यूमोटैक्सिक सेंटर से जो सिग्नल आता है न्यूरल सिग्नल, वो कहाँ भेज दिया जाता है, रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, ये क्या करता है इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को कम कर देता है, एंड देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। तो ऑब्वियस ही बात है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन इसके रेट को कम करेगा तो रेस्पिरेशन इफेक्ट होगा ही। सो नेक्स्ट इज अ कीमो सेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, कीमो सेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है किसे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से एसोसिएटेड होता है, विच इज हाईली सेंसिटिव किससे, CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन। मतलब अगर हमारे बॉडी में इंक्रीज इन दी सब्सटेंस, क्या कार्बन डाइऑक्साइड या H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है तो कैन एक्टिवेट दिस सेंटर, तो ये इस सेंटर को क्या करेगा एक्टिवेट कर देगा, कीमो सेंसिटिव एरिया जो है इस सेंटर को क्या करेगा एक्टिवेट कर देगा, विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर, फिर ये रिदम सेंटर को सिग्नल भेजेगा टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट ताकि कम हो इसका लेवल। सो इन दी रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दी सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड, ताकि इन सब्सटेंस को रिमूव करा जाए तो रिसेप्टर एसोसिएटेड विद ऑर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 एंड H+ कंसेंट्रेशन एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू दी क्या रेस्पिरेटरी सेंटर फॉर रिमेडियल एक्शंस। नाउ द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, मतलब ऑक्सीजन का उतना कोई ज्यादा रोल नहीं है, मेन रोल किसका होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, अगर उसका मात्रा बढ़ेगा या H+ का कंसेंट्रेशन में डिफरेंस आएगा तो तभी ये सेंटर ज्यादा क्या होते हैं एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, सो ये थे आपके ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाउ बच्चों अब थोड़ा सा लास्ट हम लोग देख लेते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या डिसऑर्डर्स है, लेट्स सी। अस्थमा, अस्थमा की बात करें तो अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, अस्थमा का मतलब क्या है सांस लेने में तकलीफ होना, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना, कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन, ये होता क्यों है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल जो हमने पढ़ा ना बच्चों उसमें क्या होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो ड्यू टू इन्फ्लामेशन क्या होता है अस्थमा कॉज होता है। दूसरा इफाइसीमा, इफाइसीमा क्या है तो इफाइसीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल आर डैमेज, इस केस में क्या होते हैं जो एल्वियोलर के वॉल होते हैं ना ये डैमेज हो जाते हैं,
ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सर्फेस इज डिक्रीज। अब एल्वियोलर वॉल ही डैमेज हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी सर्फेस एक्सचेंज पार्ट ही क्या है, डैमेज है तो रेस्पिरेटरी सर्फेस डिक्रीज। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। और इसका मतलब सबसे जरूरी, मतलब सबसे जो बोल सकते हैं इफाइसीमा जिसके कारण होता है, दैट इज सिगरेट स्मोकिंग। जो लोग ज्यादा सिगरेट स्मोक करते हैं उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी जो एक्सचेंज सर्फेस है वो कम हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है बच्चों को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। मतलब वैसे डिसऑर्डर्स जो कि ऑक्यूपेशन, जहां पे काम करते हैं ना लोग, तो उसके कारण कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहां पे काम करने से लंग्स रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, जैसे कि इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग। मतलब जहां पे ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग का काम होता है, सो मच डस्ट, इतने ज्यादा डस्ट वहां पे प्रोड्यूस होते हैं दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कैन नॉट फुल्ली कोप अप विद द सिचुएशंस। ऑब्वियसली बात है, थोड़े से अमाउंट में आएगा तो हमारा बॉडी कोप अप कर सकता है, बट रेगुलर आ रहा है तो एक टाइम के बाद हमारा बॉडी नहीं कोप अप कर सकता है इन सिचुएशन से। सो लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन। और लंबे समय तक अगर ये डस्ट लेते रहेंगे तो उससे क्या होगा, उससे यही होगा कि इन्फ्लामेशन होगा, जिसके कारण लीडिंग टू फिब्रोसिस यानी प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। लंग्स आपके बुरी तरह से डैमेज हो सकते हैं। वर्कर इन दिस सच इंडस्ट्री शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क। अगर आप देखो तो देखते होंगे जो लोग कोल माइंस या कहीं पे भी काम करते हैं, इन सब जगहों पे काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मास्क लगा के रखते हैं। मास्क तो अभी सबको लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो जितना ज्यादा हो मास्क यूज कीजिए, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आपका जो ये टॉपिक है दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बच्चों ये हो गया खत्म, ठीक है। सो आपका अनदर ह्यूमन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर यानी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी आपका हो गया खत्म। अच्छे से पढ़िए इसको जितना ज्यादा हो, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियोज को जितना ज्यादा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और वीडियो को जितना ज्यादा हो एंड तक देखने की कोशिश कीजिए। तो इसके साथ ही हम इस सेशन को करते हैं एंड, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय एवरीवन, थैंक यू।